चलिए सभी को जोहार। जेपीएससी के पेपर टू में एक्चुअली वास्तव में चार पांच सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर आप लोग को नहीं मिल रहा था, या बाकी हम लोग भी जो कल से प्रयास कर रहे थे उसमें विवादित दिख रहा था। तो तीन चार सवाल ऐसा है जेपीएससी पेपर टू में जिसका कि उत्तर हम लोग से संभव नहीं है, आयोग ही उसका आंसर देगा। तो कम से कम चार सवाल ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए राज्यपाल वाला सवाल। अब राज्यपाल वाला सवाल में कार्यवाहक को भी अगर काउंट किया जाएगा तो रामा जोइस होंगे, कार्यवाहक को काउंट नहीं किया जाएगा तो वेद मारवाह होंगे, ऐसा ऐसा कुछ कुछ सवाल है। एक आपका उपन्यास भी उसका देखते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे कि कुछ कुछ सवाल जिसका जटिल है या जो नहीं मिल रहा था थोड़ा सा उसको प्रूफ के रूप में रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक सांस्कृतिक अध्ययन, रोज केरकेट्टा का, या ऐसा ऐसा कुछ सवाल, ऐसा ऐसा जो कुछ सवाल है उसका हम लोग देख लेंगे और फिर उसके विस्तार से हम लोग करेंगे जेपीएससी टू का। ठीक है, थोड़ा धैर्य रख के कीजिएगा आप लोग, अभी तो समझ रहे हैं माहौल बहुत निगेटिव है, लेकिन कोई बात नहीं। 130 बत्तीस सब बोल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। 130 बत्तीस आपको लगता है, बोलना आसान है, हम लोग भी एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है ना। 130 बत्तीस बोलना आसान है, 130 बत्तीस जो है ना ये बोलना आसान है। अभी स्टार्टिंग में जब एग्जाम होता है तो सभी का स्कोर जो है ना 130 40 50 150 रहता है। एग्जाम जब होता है तो सबका स्कोर रहता है 130 के आसपास, 140 के आसपास, 150 के आसपास। जैसे जैसे दिन बीतेगा लोगों का स्कोर कम होता जाएगा, और जब जेपीएससी का ऑफिशियल आंसर की आएगा तो विश्वास मानिए घट के आपका जो आंसर है ना वो किस पे आ जाए, कम कम हो जाएगा, घट के किस पे आ जाएगा, 100 118 112 117, ये सब घटेगा, ये सब घटेगा, और घट के 118 पे, 120 पे, 122 पे, 125 पे आ जाएगा। अच्छा, अगर 130 किसी का स्कोर हुआ भी होगा तो कितने छात्र होंगे, 130 करने वाले कितने छात्र होंगे, 130 करने वाले कितने छात्र होंगे, मुश्किल से 500 छात्र होंगे। कितने छात्र होंगे, 500 छात्र होंगे। तो 500 छात्रों पे कट ऑफ नहीं बनता है भैया, अगर 130 स्कोर करने वाला 500 छात्र है तो 500 छात्रों पे स्कोर नहीं बनता है, स्कोर बनता है मिनिमम कट ऑफ पे। जो जो कट ऑफ बनता है वो सबसे न्यूनतम कट ऑफ बनता है। तो हमको लगता है कि ये सब इतना इतना स्कोर करना जो बोल रहे हैं वो शायद हमको लगता है बढ़ा के बोल रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए सेवन जेपीएससी तो गया था, नहीं सेवन जेपीएससी 130 नहीं गया था, सेवन जेपीएससी में 120 गया था, सेवन जेपीएससी में 130 नहीं गया था। और सेवन जेपीएससी इस बार में दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। सातवीं जेपीएससी में टाइम मिला था बहुत पढ़ने के लिए, इस बार ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास, वैसे लोग। अब अमर अमर कुमार गोड्डा के हैं, उस सफल आप लोग से मिलवाएंगे यूट्यूब में, वे सफल हैं जेपीएससी में, उनको मिला है प्रोबेशन ऑफिसर, लेकिन उन लोगों को पढ़ने का, बहुत लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला भाषण करने के। तो बहुत सारा ये सब जो बोल रहे हैं सब सब देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है लेकिन एक्चुअल जो स्कोर है ना उसको उनको आत्मा ही जान रहा होगा जी, उनका एग्जाम गया है। और चिंता मत कीजिए, 2 से 4 5 दिन में जब जेपीएससी का आएगा ऑफिशियल आंसर की तब आपका स्कोर अपने आप कम हो जाएगा। देखिए तो ये एक जो किताब था, ये किताब था किसका, रोज केरकेट्टा का, रोज केरकेट्टा का जो किताब है, रोज केरकेट्टा का ओबीसी वन में, ओबीसी वन में 115 14 बहुत है, ओबीसी वन 112 में भी हो जाएगा, देखिएगा, आने दीजिए रिजल्ट। हम भी यही रहेंगे, आप लोग यही रहिएगा, हम भाग रहे हैं ना आप भाग रहे हैं, हम लोग सब यही रहेंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो दिखाई पड़ेगा कि कितना कट ऑफ कम जा रहा है। वो बोलने का है, सवाल बहुत फैक्चुअल था, और फैक्चुअल सवाल में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तो फैक्ट में अगर आपको याद नहीं है तो अच्छा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, आपको लग रहा है ना, बहुत सारे ऐसा सवाल है जो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं है, बहुत फंसे हैं लोग। अब देख लीजिए रोज केरकेट्टा, तो वही बात है, कुछ सवाल में फंसे हैं लोग। रोज केरकेट्टा जो है वो रोज केरकेट्टा खड़िया भाषा के लिए, जैसे हम लोग का है ना खोटा भाषा, नागपुरी भाषा में लोक कहानियां, तो लोक कहानियां, लोक कहानियों का जो आप पढ़ते हैं खोटा में नागपुरी में, उसी प्रकार से यहाँ खड़िया भाषा में ये किताब है रोज केरकेट्टा का। तो एक तो ये हो गया, दूसरा एक बात था गोबंधु दास का, इसका भी आंसर, अब देखिए इसका आंसर किसको पता होगा, इसका आंसर बहुत लोगों को नहीं पता होगा।
गोबंधु दास जो है गोबंधु दास का आंसर आप लोगों को बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये सरायकेला खरसावा इनका क्षेत्र रहा है। अब सरायकेला खरसावा क्षेत्र रहा है ठीक है, लेकिन इसमें ऑफिशियल आंसर की जब आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि वो बंधु दास का 145वीं जो जयंती अभी मनाया गया है ये वास्तव में उड़ीसा के रहने वाले हैं, जयंती मनाया गया है और गोबंधु ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये जो है उड़ीसा के रहने वाले हैं है ना, उड़ीसा के रहने वाले हैं उत्कल मणि है ना, उत्कल मणिक इनका नाम, उत्कल मणिक नाम है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे सवाल में आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको इसको पता होगा, क्योंकि उड़ीसा का एक व्यक्ति है और झारखंड में आके काम करता है, अब उसका क्षेत्र क्योंकि वो जेल भी गए हैं और जेल कहाँ गए हैं बार बार, तो जेल हजारीबाग जेल गए हैं, अब समझिए जेल हजारीबाग गए हैं तो यहाँ पे समस्या आएगी ना, यहाँ पे समस्या आएगी कि ऑप्शन में हजारीबाग माना जाएगा कि सरायकेला खरसावां माना जाएगा ये कोई जानता नहीं है। इसलिए अभी बड़े बड़े बाती बड़े बड़ी 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 बातें और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, रुक जाइए देखिए आंसर की सबका आंसर स्कोर गिरेगा। अब हम लोग इसको मानते हैं इसका आंसर सरायकेला खरसावां ही होगा, क्योंकि एक उड़ीसा का व्यक्ति जो है वो उसी एरिया में काम कर रहा है ठीक है ना, तो सरायकेला खरसावां इसको मान कर चलिए। और चूंकि 140 ये मनाया गया है, कहां मनाया गया, 145वीं जयंती मनाई गई है सरायकेला खरसावां में, और आज भी सरायकेला खरसावां के लोग गोबंधु दास को याद करते हैं, इसीलिए झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया कि गोबंधु दास का जो कार्य क्षेत्र है वो कहां था। तो अगर हमको बोलिएगा तो आंसर सरायकेला खरसावां ही होगा, लेकिन मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, किसी और के बोलने से, जब आंसर की आएगा ऑफिशियल तब चलेगा पता कि सरायकेला खरसावां इसका उत्तर होगा कि हजारीबाग होगा। उसी प्रकार से और भी सवाल है, कुछ सवाल है, 3-4-5 सवाल देखते हैं। इसमें भी विवाद था आपका गोल्ड माइनिंग झारखंड पे है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक गोल्ड माइन ऑफ झारखंड वाला सवाल था, इसमें भी था कि पूर्वी सिंहभूम है कि पश्चिमी सिंहभूम है। अब देख लीजिए जो कुंदर है ना, कुंदर कोचा गोल्ड माइंस है वो कुंदर कोचा गोल्ड माइंस कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में, साफ साफ लिखा हुआ है कुंदर कोचा गोल्ड माइंस विलेज कुंदर कोचा डिस्ट्रिक्ट पूर्वी सिंहभूम झारखंड, ये किसका है, गोल्ड, ये सरकारी का, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है। अब यहाँ भी लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर जो है तो पश्चिमी सिंहभूम होगा, तो कुछ लोग के बोलने से क्या होगा या मेरे बोलने से क्या होगा, हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आएगा तभी पता चलेगा। तो इसका आंसर देखिएगा क्या, साफ साफ लिखा हुआ है कुंदर कोचा गोल्ड माइंस विलेज कुंदर कोचा, कुंदर कोचा गाँव के नाम पे पड़ा है इसका, और इसका जिला कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम है ना, तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आ जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम भी इसका आंसर आएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ सवाल हैं जो सवाल का उत्तर में थोड़ा सा अभी विवाद है, और हो सकता है कि इसको अगर आपने काउंट करके रखा है सही तो आंसर की जब आएगा ऑफिशियल तो थोड़ा सा गिरेगा इसमें ठीक है। अब देखिए और आगे बढ़ेंगे, अब इसको देखिए जो हुल विद्रोह वाला जो सवाल है कि 1855 में जो हुल विद्रोह हुआ उसमें हजारीबाग में जब फैला तो हजारीबाग में कौन कौन किसने मोर्चा संभाला था। अब ये सवाल भी बहुत जगह नहीं मिल रहा था, इसमें नाम क्या है, इसमें नाम आपका है लुबिया मांझी है प्लस बैस मांझी। अब ऑप्शन में दिया हुआ है बैरू मांझी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है बैस मांझी और वहां लिखा हुआ है बैरू मांझी, तो बहुत सारी बातें हैं है ना, बैस मांझी और साथ में एक और आपका है अर्जुन मांझी प्लस अर्जुन मांझी, ये तीनों लोगों ने हजारीबाग में हुल विद्रोह को संभाला था। तो इस सब का आंसर भी आपको बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो लुबिया मांझी हो या बैस मांझी या बैरू मांझी हो या ये आपका अर्जुन मांझी हो है ना, तो ये सब सवाल भी देख लीजिएगा, ये सब सवाल भी जो है ये सब थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, विवादित सवाल है। अब संथालों का मुख्य देवता में कुछ लोग बोल रहे हैं कि मरांगबुरु है, कुछ लोग बोल रहे हैं ठाकुर है, लेकिन यहाँ साफ साफ है मरांगबुरु है। अब बात क्या है कि झारखंड लोक सेवा आयोग किसको मानता है, एक किताब है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ झारखंड है ना, एक किताब है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ झारखंड,
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ झारखंड, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ झारखंड बहुत महंगी किताब है और इसको लोग बहुत कम पढ़ते हैं। और अब क्या है कि वहां से भी सरकार क्या करती है, सरकार किताब को मंगा के, क्योंकि पता है हम लोग मार्केट में क्या पढ़ते रहते हैं, मनीष रंजन का या उड़ान का या ये प्लेथोरा ऑफ झारखंड का या मैं हूं झारखंड का पढ़ के जाते हैं। लेकिन सरकार क्या कर सकती है, सरकार बुला मंगा लेगी किताब को, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ झारखंड, या थुआ अलग अलग किताब है आदिवासियों का, संथालों का अलग किताब, पतला सा किताब है, सरकार का किताब है संथाल का अलग, संथाल का अलग है ना। तो इस सब में उस सब किताब से अगर पूछेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। खैर ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, सीधे हम लोग आते हैं अब उसमें। एक और देखिए, एक और सवाल में विवाद था कुरमाली भाषा वाला, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है जगरामी नारायण है ना, जगमागी नारायण। अब वहां एग्जाम में क्या आया है, एग्जाम में आया है जगरामी रामायण, देख लीजिए पूरा एग्जाम में क्या आया है, एग्जाम में आया है जगरामी रामायण। जगराम नाम का एक व्यक्ति था, जगराम नाम का एक व्यक्ति था और जगराम राम के एक व्यक्ति ने कुरमाली भाषा में लिखा। अब यहां लिखा हुआ है जगरामी नारायण, या तो ये गलती होगा या तो ज्यादा हम उसको मानेंगे ना, सरकार को जो जेपीएससी को मानेंगे तो वो ऐसा सवाल है। एक सवाल में और मिस्टेक है जो आप देख सकते हैं, उसमें क्या है बताते हैं उस सवाल में क्या समस्या है। उस सवाल में समस्या जो है वो आपका समस्या ये है, ये तो बिनिरा माथा वाला है, नागवंशावली रचनाकार है ना, नागवंशावली के जो रचनाकार है वो बेनी राम महथा जो रचना, जो नागवंशी के रचनाकार है, ये हमेशा पूछा जाता रहा है, पहले भी प्रीवियस ईयर पहले पूछा गया है, बहुत सारे परीक्षा में ये पूछा गया है। ये तो सवाल बहुत, क्योंकि नागराजवंशों का जिसके बारे में, हाँ या इसके बारे में बात करते। अब देखिए मामला क्या है, मामला क्या है कि राजा रामचीज सिंह और इनकी रचना क्या है, दोनों है, पहला ललिता भी है और उमाशंकर भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विवाद तो होगा ना, ललिता भी है और उमाशंकर भी है। अब क्या दिया है आपको एग्जाम में, क्या पूछा है एग्जाम में, पूछा है कि राजा रामचीज सिंह का रचना कौन है, ललिता भी है ऑप्शन में और उमाशंकर भी है। तो भैया सही एक ही होगा ना, कि सही सब हो जाएगा, थोड़ी ऐसा है कि सही ए भी होगा, सही सी भी हो जाएगा या डी भी हो जाएगा, एक ही ऑप्शन होगा ना। अब यहां पे देखिए, अब आप लोग ललिता लगा के आए हैं कि उमाशंकर लगा के आए हैं, दोनों साथ में है नहीं, और कोई छात्र अगर इसको गिन लेता है कि मेरा सही है तो गलती है ना, हो सकता है कि उमाशंकर मान ले आयोग, या हो सकता है कि ललिता मान ले आयोग, तो आयोग क्या मानेगा इस पर डिपेंड करेगा आपका जो अभी स्कोर आ रहा है। विश्वास मानिए 5 से 6 सवाल आपका स्कोर से कम होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा देखिए इसको। चलिए तो अब ज्यादा बात, बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड पतरातू वाला है ना, बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड कहां, पतरातू झारखंड वाला। तो ऐसे ऐसे कुछ सवाल हैं, ठीक है ना। विजुअली इंपायर्ड के लिए कट ऑफ का कम जाएगा, अक्षय सिंघानिया जी वो पूछ रहे हैं कि विजुअली जो हैंडीकैप्ड है या दिव्यांग है, हैंडीकैप तो खैर निगेटिव वर्ड बोल दिया, जो दिव्यांग है उनका कट ऑफ कम आएगा, उसका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है ना। तो ये बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड पतरातू वाला है ना। तो ऐसे सब कुछ सवाल है, चलिए कोई नहीं, हम लोग आप सीधे शुरू करते हैं। इसको देख लीजिए, संरक्षित वन और आरक्षित वन में भी फंसे हैं लोग, हम बता रहे हैं ना, 5 से 6 सवाल लोगों को समझ में भी नहीं आया है, 5 से 6 सवाल समझ में भी नहीं आया है छात्रों को, जो हवाबाजी कर रहे हैं ना, समझ में नहीं आया है छात्रों को, जो हवाबाजी कर रहे हैं कि 130 मेरा सही है, 40 सही है, 50 सही है, भैया आपको 5-6 सवाल समझ में नहीं आया है। हम लोग पढ़ा रहे हैं 10 साल से, हम लोग को बाउंस कर रहा है, तो आप बहुत भले स्मार्ट बन जाइए लेकिन फंसे हैं आप लोग, तो 5-6 सवाल का समझ में नहीं आया है, इसमें फंसे हैं लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, संथाल परगना वाला देखना, अवश्य आ रहा है ना, ठीक है ना, संथाल परगना वाला। अब संथाल परगना वाला जो धारा है वो धारा आपका क्या है, वो धारा आपका 67 है, क्योंकि धारा 67 में ही दंड का प्रावधान है, धारा 68 में सूचना संबंधी प्रावधान है, और धारा 69 में भूमि अधिकारों का अपवर्जन है ना, भूमि के अधिकार का अपवर्जन दिया हुआ है।
और इसमें धारा 70 में बकायों की वसूली दी गई है, बकायों की वसूली दी गई है। अब समझिए ऐसे ऐसे सवाल में क्या है, इतना तो नहीं है, अगर संथाल परगना अधिनियम आपको याद होगा तो भैया बनेगा, याद नहीं होगा तो फंसेंगे, तो इसलिए इतना आसान पेपर भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, धारा 67। उसके बाद आइए सवाल, अगला सवाल है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम मतलब एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा में रयती भूमि, रयती भूमि के विनिमय, विनिमय एक्सचेंज ऑफ लैंड है ना, एक्सचेंज ऑफ लैंड, एक्सचेंज ऑफ लैंड, एक्सचेंज ऑफ लैंड जो है, एक्सचेंज ऑफ लैंड के बारे में किया गया है कि कौन सा धारा है। अब एक्सचेंज ऑफ लैंड कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ लैंड जो है उपायुक्त है ना, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, डीसी अथवा उपायुक्त, अथवा उपायुक्त की सहमति से बदलाइन होगा, बदलान, बदलाइन होगा, इसको बोला गया है बदलाइन। मनीष संजम देखिएगा, इसको बोला गया है बदलाइन, जो जमीन का अदला बदली होगा, जमीन का बदला बदली कब होता है, जब म्यूचुअल म्यूचुअल कंसेंट हो, जमीन का अदला बदली कब होगा, जब म्यूचुअल कंसेंट हो, जब म्यूचुअल कंसेंट हो है ना, जब म्यूचुअल कंसेंट होगा, जब म्यूचुअल कंसेंट होगा, जब म्यूचुअल कंसेंट होगा तभी जमीन की अदला बदली होगी, जब आपसी सहमति होगा, साथ ही साथ वो जमीन जो एक्सचेंज ऑफ लैंड होगा धारा 23 के अनुसार, वह जमीन गांव के आसपास ही होना चाहिए, अगर गांव के आसपास जमीन नहीं है तो उसका एक्सचेंज नहीं होगा, गांव के आसपास ही होना चाहिए है ना, गांव के आसपास ही होना चाहिए। और ये कौन करेगा, ये उपायुक्त के, डीसी के जो डिप्टी कमिश्नर है उसके आदेश पे होगा। तो ये आपका धारा 23 में लगा हुआ है, देख लीजिए। अगला इसका अभी पीछे आपको बता दिए थे, जो पीछे हम आपको दिखा रहे थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है वह आपका जामताड़ा है, इसका डेटा हम आपको दिखा चुके हैं, जो अभी हम आपको 10-12 पन्ने का दिखा रहे थे उसमें जामताड़ा वाला भी था, तो जामताड़ा वाला जो है इसमें आएगा। आगे बढ़िएगा, अब देखिए इसमें आबादी वाला में रांची की आबादी कितनी है, रांची की आबादी आपका 29 लाख है, रांची की आबादी आपका 29 लाख है, और धनबाद की आबादी 26 लाख है, धनबाद की आबादी 26 लाख है, पूर्वी सिंहभूम की आबादी आपकी 22 लाख है, और कोडरमा की आबादी आपकी 7 लाख है। तो अब यहाँ पे लाख देखिएगा, 29 लाख, 26 लाख, 22 लाख और 7 लाख, तो इसके आधार पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला जो है जनसंख्या वाला वो आपका रांची हो जाएगा। जो लाल घेरा लगा हुआ है, जो हम लोग जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं उसमें जो लाल घेरा लगा हुआ है, ये लाल घेरा ही आपका उत्तर है, इसमें भी लाल घेरा लगाने के बाद भी एक दो सवाल में उत्तर बदलना पड़ा है, तो अभी आगे बढ़िएगा तो दिखा देंगे कहाँ कहाँ हम लोग बहुत बहुत काम किए तब लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, अब अगला जो सवाल आपका है, वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम। ऐसे ऐसे सवाल को लोग देख के बोल रहे हैं कि मेरा उत्तर, मेरा खूब स्कोर गया, ऐसा बात नहीं है, ये सवाल पहले आसान है। अब देखिए लाह वाला सवाल, लाह वाला सवाल में भी समस्या है, समस्या क्या है कि अभी चर्चा में क्या था कि ओरमांझी, झारखंड का ओरमांझी, झारखंड का ओरमांझी ठीक है ना, और सिंहभूम, और सिंहभूम और खूंटी, ये खूंटी जिला, तो झारखंड का ओरमांझी, सिंहभूम और खूंटी जिला है, उसमें लाह का उत्पादन जो किस्म है जेठवी, जो किस्म है जेठवी, जो किस्म है वह किस्म जो है, वो जो जेठवी जो किस्म है वो काफी चर्चा में रहा था, तो सवाल वहीं से पूछा गया। अब देखिए ये जेठवी होगा है ना, तो हम लोग मान के चल रहे हैं जेठवी, लेकिन अचानक अगर अचानक आयोग ने कर दिया क्या, कर दिया अगर अगनी। एक बात और समझिएगा, जेपीएससी में सवाल जो पूछा गया है, बहुत सवाल पूछा गया है, पुराना वाला 18 का, 19 का, 20 का, 21 का पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका है जेठवी। अगला इसमें देखिए, हैंडलूम हथकरघा की सहकारी समितियां सबसे ज्यादा झारखंड के किस संभाग में है, तो इसका उत्तर होगा आपका संथाल परगना, संथाल परगना में ही सबसे ज्यादा सहकारी समितियां इसके लिए काम कर रही है और सरकार वहां फंड भी दे रही है। अब देखिए किस किस्म का रेशम सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले बात है कि रेशम के मामले में तो झारखंड नंबर 1 है,
और झारखंड में भी 70% झारखंड में जो होता है 70% जो है वह तसर होता है, 70% होता है तसर। अब देख लीजिए यहाँ कोई तुलना ही नहीं है मलबरी से, जो मलबरी है या एरी है या जो मूंगा है, मूंगा जो है वो मलबरी एरी या जो तसर या मूंगा जो है रेशम का जो प्रकार है उसमें सबसे ज्यादा, मतलब तसर कितना, तसर आपका होता है 70%, तो तुलना ही नहीं है। तो ऐसे सवाल में कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां डेटा बहुत कम ज्यादा है वहां कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। ये सब ये तसर 70% है और 30% बाकी होगा। अब ये जितना होगा इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन जितना होगा इससे कम ही होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका तसर। तो सबका आंसर का कुछ ना कुछ लॉजिक है। अब देखिए जमशेदपुर में स्थापना किया गया टेल्को की स्थापना की गई, ये मुंबई में स्थापना किया गया था, टेल्को की स्थापना आपकी मुंबई में, टेल्को की स्थापना जो है तो मुंबई में किया गया था, है ना, ये सिंपल है अपना। अब देखिए बूढ़ा घाट, अब यहां फंसाने वाला है, बूढ़ा घाट भी में फंसाने वाला है। फंसाने वाला क्या है, यहां लिखा है बूढ़ा, अब गूगल अनुवाद है, वास्तव में जो बूढ़ा घाट जलप्रपात है, जिस जलप्रपात की ऊंचाई है ना 100, जो जलप्रपात है बूढ़ा घाट वो 143 मीटर इसकी ऊंचाई है और 63 वर्ग किलोमीटर फैला गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गूगल का ट्रांसलेशन बूढ़ा, अब यहाँ बूढ़ा नहीं है, वास्तव में बूढ़ा नहीं है, ये बूढ़ा है, बूढ़ा। जब अचानक फास्ट आप पढ़ते हैं एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में आप रहते हैं प्रेशर में, और जब एग्जाम हॉल में आप प्रेशर में रहिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा 2 का 4, 4 के 6 दिखाई पड़ेगा। एग्जाम हॉल में जब इस तरह का माहौल बन जाए और जैसे आसपास हल्ला हंगामा होते रहे तो आपको 2 का 4, 4 के 6 दिखाई पड़ेगा। गूगल ट्रांसलेट यहाँ देखिए बूढ़ा किया है, BURH बूढ़ा, और ये वास्तव में बूढ़ा है, क्यों, चूंकि बूढ़ा नदी के किनारे ये चूंकि जलप्रपात है, इसको कहा गया है बूढ़ा जलप्रपात। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी होगा। चलिए आगे, झारखंड में सबसे ज्यादा ऊंचा बिंदु स्थल कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है नेतरहाट, ये 3622 फीट है। इसमें देखिए क्या है, अब जोड़ुआ डूमर और दलमा का कोई मतलब नहीं था, नेतरहाट आपका ऑप्शन में है, 3622 मीटर की ऊंचाई पे है, और कोल्हुआ पहाड़ भी था, कोल्हुआ पहाड़ जो चतरा में है ये 1575 फीट की ऊंचाई पे। अब देखिए कितना का अंतर है, ये कोल्हुआ पहाड़ कहाँ में है, कोल्हुआ पहाड़ आपका चतरा में है और ये आपका लातेहार में है। अब यहाँ पे बात क्या है भैया, हो सकता है कि तुलना ही नहीं है दोनों के अंतर में, जो कोल्हुआ पहाड़ है चतरा वाला, कोल्हुआ पहाड़ की ऊंचाई है 1575 फीट और जो नेतरहाट, जो लातेहार का नेतरहाट है उसकी ऊंचाई है 3622 फीट। तो ऐसे सवाल में क्लियर है, ऐसा सवाल में आयोग भी गलती आंसर नहीं देगा, लेकिन जहां थोड़ा सा बारीक अंतर है ना वहां थोड़ा सा आयोग क्या करेगा, घुमा फिरा के उल्टा आंसर दे देगा तो फंसिएगा। अब यहां साफ क्लियर है कि इसमें कुछ भी होगा तो नेतरहाट ही होगा, कभी भी कोल्हुआ पहाड़ नहीं होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई इससे आधी से भी कम है। अब देखिए डाल्टनगंज के नजदीक, अब ये मजेदार सवाल है, डाल्टनगंज के नजदीक कौन किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। वास्तव में डाल्टनगंज खाली बोलने का है, ये एरिया जो है वो लातेहार हो गया है, ये एरिया जो है तो लातेहार का एरिया है, और आपको पता होगा कि लातेहार में जो कोयला पाया जाता है वो 90% कोयला मैग्नेटाइट है। अब लातेहार में जो कोयला पाया जा रहा है वो 90% मैग्नेटाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे विवाद कुछ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका विवाद हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए मजेदार सवाल है, सवाल नंबर 13वां का, झारखंड पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति, तो इसमें सभी आंसर इसका सही है, पहला बात सही है, इसको देख लीजिए, सिंपल है कि भैया के न्यूनतम भूमि का न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया, सब जहां तक संभव हो कम से कम, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी उठा के जितना मर्जी है उतना कर दिए, नहीं, न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण होगा पहली बात होगा, जहां तक संभव होगा बंजर भूमि, जो विवाद है जो झारखंड में विस्थापन का विवाद है ना यही से विवाद है, कृषि भूमि का भी कर दिया गया है अधिग्रहण, तो इसीलिए विवाद है। तो क्या होगा, गैर सिंचित भूमि होगी जहां सिंचाई नहीं होता हो अथवा बंजर हो, और जहां तक संभव हो एसटी एससी समूहों की भूमि, साथ में
मल्टी क्रॉप बहुफसली भूमि और सिंचित भूमि का संभव प्रयोग नहीं होता है। अब सुनिए एग्जाम में हॉल में क्या होता है। एग्जाम में तेजी से पढ़ने के क्रम में ये नहीं वर्ड नहीं पढ़ पाए तो गलती करते हैं। आपको लगता है ना, आपको लगता है कि देखिए सब इंसान को लगता है कि हमसे बड़का चालाक और स्मार्ट कोई नहीं है धरती पे। ये हमको सबको हमको भी लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहां आपका स्मार्टनेस खत्म होता है किसी और का शुरू होता है। अचानक प्रेशर में आपने गलती से ये नहीं वर्ड नहीं देखा, अब क्या किए, इसको कोई ए भी मार के चले आए तो ऐसा हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। ये सीधा, ये तो कुछ खास नहीं है। जो पॉलिसी है 2008 में जो पॉलिसी आई थी, सीधा सीधा पॉलिसी को उठा के पूछ दिया गया है। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पॉलिसी का लाइन बाय लाइन पूछा। यहां पे कोई बात करने वाली बात नहीं है। अगला है आपका ये सवाल अभी दिखाए थे आपको, पीछे जो था पेज दिखा रहे उसमें दिखाए थे। इसमें क्या होता है कि जो मॉनिटरिंग के लिए, जो प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए जो भी पुनर्स्थापन या पुनर्वास का योजना बनेगा, उसकी प्रगति की समीक्षा, कहां तक काम बढ़ा, और खास करके मेनली है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग जो करेगा वो मॉनिटरिंग कौन करेगा, मुख्यमंत्री नहीं करेगा, प्रमुख शासन सचिव नहीं करेगा। ये विकास आयुक्त का पद जो रखा गया है ना, तो डेवलपमेंट कमिश्नर यही करता है इसका। ये देखेगा कि मॉनिटरिंग सही हो रहा है कि नहीं, लोगों को मुआवजा मिला है कि नहीं, एसटीएससी का जमीन तो छीन तो नहीं लिया गया, कोई जमीन ऐसा नहीं है जहां पे फसल ज्यादा हो उसको ले लिया गया, कोई जमीन ऐसा नहीं है जो सिंचाई वाला जमीन है उसको तो नहीं ले लिया गया, ये सब सब देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकास आयुक्त हो जाएगा। आगे बढ़िए, झारखंड पुनर्वास किया इसका। अब ये देख लीजिए क्या है, ये ईएसआई का फोटोकॉपी है। जो ईएसआई एक्ट है आपका, जो ईएसआई एक्ट है, ईएसआई एक्ट 1948 वाला जो अधिनियम है, इसका फोटोकॉपी है ना, इनका ये इंप्लॉई है ना, इंप्लॉई देखिएगा, ये जो आपका है इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का फोटोकॉपी है। ये एक फोटोकॉपी है 1948 1948 में एक बना गया था अधिनियम, उस अधिनियम का नाम था इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसी अधिनियम में कहा गया है कि परिवार में कौन कौन शामिल होगा। परिवार में शामिल कहने का मतलब क्या है, परिवार में शामिल कहने का मतलब है कि कंपनसेशन किसको किसको मिलेगा। अगर मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो डेथ उसके परिवार को मिलेगा, और परिवार में कौन शामिल होगा। परिवार में अभी आप देखते होंगे झारखंड में कि कोई जिसका वंश नहीं है तो उसके जमीन पे दावा कर दिया, उसके पैसे पे दावा कर दिया। ये कंपनसेशन एक्ट का पूरा फोटोकॉपी है कि परिवार में कौन शामिल होगा भैया, तो उसका जीवन साथी, पत्नी अथवा पत्नियां, मतलब पत्नी या एक से अधिक पत्नी है तो। दूसरा, अगर उसका बेटा है और उसकी बेटी है और उसका शादी नहीं हुआ है। अगला, उसका भाई है और उसका बहन है लेकिन उसका शादी नहीं हुआ है, पहले 25 साल उम्र था इसका 25 ईयर्स, अथवा मतलब या तो शादी हो गया है अथवा 25 साल तक, तो उसको परिवार का माना जाएगा, और परिवार माना जाएगा तो उसको परिवार लाभ दिया जाएगा, अर्थात जो कंपनसेशन है वो उसको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सीधा जो ईएसआई एक्ट है उसका सीधे समझिए कि फोटोकॉपी उठा करके छाप दिया गया है। तो ये समझना है कि झारखंड में जो पॉलिसी बन रही है या जो पूछ रहा है वो कहां कहां से पूछ रहा है। पॉलिसी पे और स्कीम पे ध्यान तो ऐसे आपको देना ही था, यहां तो सवाल ऐसे आ रहा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा है ना। इसमें इसलिए ना कि कोई तो सवाल जिसमें लग रहा है कि विवाद हो सकता है तो उसको विस्तार से हम लोग काम किए हैं कि देख लेते हैं कि कहां से कैसे कैसे सवाल पूछा गया है। आगे बढ़िए, अब देखिए इसमें झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 के पुनरुद्धार हेतु किसको किसको शामिल किया जाएगा। तो भैया जो इकाई बंद होने वाला है, जो इकाई बीमार होने वाला है और जो इकाई कमजोर होने वाला है, उसी में होगा जिसका सी आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि या तो कोई वैसी इकाई है जो इकाई पूरा डैमेज हो चुका हो, अब संभव नहीं है। आप देखिएगा जो इंडिया में पॉलिसी आया था, एनईपी आया था, न्यू यूक्रेन पॉलिसी जो आया 1991 में, ये वहां से आया है, 1991 की पॉलिसी है कि किसमें प्राइवेट सेक्टर को किसमें पैसा लगाने का मौका दिया जाएगा। जो इकाई बंद हो गया हो,
अथवा जो इकाई बीमार हो गया हो, सिक हो गया हो, या वैसा इकाई जिसको डेवलप आगे बढ़ने का संभावना कम हो, तो वैसा इकाई को, तो ये तीनों दोनों हो जाएगा आपका, है ना। ये सारा 1991 की जो नई आर्थिक नीति लाई गई है भारत में, उसी का समझिए फोटोकॉपी कह सकते हैं। सब आप देखिए, सवाल कहीं से उठाया गया है, और सवाल कहां से उठाया गया, सारा सवाल उठाया गया यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। एक बात जान लीजिए, आज लिख लीजिए गांठ बांध के, जब भी आप झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा देने जाए तो मेरी बात मान के दो काम कर लीजिएगा, एक आईएएस का 20 साल का पेपर और एक यूपीपीसीएस का 20 साल का पेपर कर लीजिएगा, आपका बहुत सवाल आ जाएगा। आईएएस का पेपर, यूपीएससी आईएएस का पेपर, है ना, आईएएस का पेपर और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर अगर आप कर लीजिएगा, तो झारखंड में जितना आपका स्कोर होता है उस स्कोर में 10 नंबर बढ़ जाएगा। ये सब टेक्निक है। अगर जिसका एग्जाम खराब गया हो, भगवान करे कि आप लोग जितने लोग लाइव अभी हैं उसमें अधिकांश लोग अधिकारी बन जाए, ये मेरी शुभकामना होगी, लेकिन वैसे छात्र जिनका स्कोर कम रह गया होगा और कभी भी निकट भविष्य में जेपीएससी की परीक्षा देने जा रहे होंगे, तो मेरी बात मान लीजिएगा, आईएएस का पूरा पेपर 10-15 साल का और यूपीपीसीएस का पूरा पेपर घटना चक्र से कर लीजिएगा, बहुत सारा सवाल आपको दिखाई पड़ेगा। पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने से ज्यादा है स्मार्ट दिमाग लगा के सवाल कहां से पूछा जा रहा है। 1991 के नई अर्थनीति पे कितना सवाल पूछा गया आज तक, और ये सवाल आपका इकोनॉमी का सवाल है, ये सवाल आपका इकोनॉमी का सवाल है। तो झारखंड में बहुत लोगों को तो सवाल समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक और, झारखंड विजन एक्शन प्लान 2021-25 तक 25,000 बुनकर वाला। तो 25,000 बुनकर वाला तो स्कीम आपको पता ही है, गोड्डा में बार बार आ रहा था कि गोड्डा और गोड्डा के उसके आसपास बहुत सारे ऐसे बुनकर थे जिनको असिस्टेंट दिया गया था, सपोर्ट किया गया था, उन लोग माइक्रो इकोनॉमी का जो प्लान उसके तहत आगे बढ़ रहे थे। तो ये आपका गोड्डा वाला गोड्डा हो जाएगा। अगला है आपका, ये तो डेटा है, डेटा गूगल पर आधारित है सीधा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 401997। ये सारा इकोनॉमी। अब देखिए एक बात सुन लीजिए, ऐसे सवाल को जानकर पूछा जाता है उलझाने के लिए। अब ऐसे सवाल को उलझाने के लिए ही पूछा जाता है, और जो उलझ कर आ गया ऐसा सवाल देखिए और भागिए, ये जानबूझकर उलझाने के लिए पूछा जाता है। तो मेरी तो राय है, आप लोग कितने कमेंट कीजिएगा, कितने लोगों से बना ये सवाल, जितने लोग लाइव है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिएगा, ये कितने लोगों को पता था कि 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो 4,19,097 रुपया। कितने लोगों को मालूम था, बहुत कम लोग। आप लोग जितने लोग लाइव है उसमें मात्र 5%, हम गारंटी से बोल रहे हैं, आप या भले बड़बोले बने बापरे बोल दी, मात्र 5% लोगों को मालूम होगा। तो ऐसे सवाल जानबूझकर पूछा जाता है उलझाने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो गया। अब देखिए गोमिया वाला जो सवाल है कि गोमिया में भारतीय विस्फोटक की स्थापना कब की गई, 1956 में किया, 1956 में ये स्थापना हुआ था, और 1958 में ये जो है उसका उद्घाटन हुआ है, 5 नवंबर 1958 में इसका उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति जो है, उद्घाटन हुआ था तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था, राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था। तो 56 में गोमिया में एशिया, खाली भारत का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का कहा जाए, एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना बोकारो के गोमिया में स्थापित किया गया था 1956 में, और 5 नवंबर 1958 को इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऐसे ऐसे सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल जहां पे फंसेगा, ठीक है ना। कृष्णा जी बोल रहे कि हम सिंदरी सोच के 1951 मार दिए, गलती होता ही है। अब देखिए यहां कर दिया ना, कृष्णा जी का कमेंट आया, पढ़ लीजिए आप लोग, उनको लगा कि ये क्या है, ये सिंदरी वाला है, और सोच के 1951 लगा दिए, तो गलती होगा ही, गलती हो सकता है ना। झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट है, ये पतरातू आपका है, पतरातू तो साफ है, सीमेंट का बड़ा कारखाना है बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड, वो कहां पे है, पतरातू में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां है, तो भैया आज भी झरिया है, ये 50 बार सवाल पूछा गया है,
कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है, झरिया ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। झरिया में आग लग जाने के बाद अथवा झरिया में उत्पादन होने के बाद भी आज भी जो है वो रानीगंज सबसे बड़ा ये झरिया ही है। अब देखिए भारत का प्रथम अल्मुनियम, तो झारखंड में अल्मुनियम जहां पे आए वहां आंख बंद कीजिए और मुरी मारिए। जहां पे झारखंड में अल्मुनियम का बात आ जाए आंख बंद करना है और मुरी मारना है। लॉलीपॉप सवाल को सीधे देखिए और मारिए, उसमें कोई किंतु परंतु और व्याख्या करने की बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यही वाला बात है, कुंदरकोचा है ना, कुंदरकोचा कहां पे, कुंदरकोचा पर ईस्ट सिंहभूम में। जो कुंदरकोचा गांव है ये ईस्ट सिंहभूम में है, ये ईस्ट सिंहभूम में कुंदरकोचा गांव है, ईस्ट सिंहभूम में कुंदरकोचा विलेज है, ये वास्तव में विलेज है और यहां पे गोल्ड माइंस है। कुंदरकोचा विलेज, ये गलती से पश्चिम सिंह मार दी, ये क्या, ये पूर्वी सिंहभूम होगा, सिंहभूम पूर्वी इसका उत्तर होगा। बहुत लोगों का हम देख रहे हैं जो आंसर की आ रहा है, बहुत सारे लोगों का उसमें मारा हुआ है पश्चिमी सिंहभूम, लेकिन विश्वास मानिए पश्चिमी सिंहभूम नहीं होगा, ये क्या होगा, ये आपका पूर्वी सिंहभूम होगा, है ना, तो इसका पूर्वी सिंहभूम होगा। अगला, झारखंड में कब सोना सुवर्ण धोती साड़ी विक्रम योजना लागू किया गया था, ये लागू किया गया आपका कब, ये लागू किया गया आपका अक्टूबर 2021 में लागू किया गया है। 10 रुपया में एक साड़ी या लुंगी मिलेगा, है ना, 10 रुपया में एक, 10 रुपया में एक साड़ी अथवा एक साड़ी अथवा एक लुंगी। साड़ी किसको मिलेगा, साड़ी मिलेगा फीमेल को और एक लुंगी मिलेगा, लुंगी है ना, एक लुंगी मिलेगा, लुंगी मिलेगा किसको, मेल को। तो ये है अक्टूबर आपका 2021 में शुरू किया गया है सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना, एक एक मेल को एक फीमेल, ये वाला है, ठीक है ना, देख लीजिए। अच्छा, बिरसा मुंडा बागवानी योजना का उत्पाद, ये आपका इसका आम पे फोकस्ड है, ये आपका आम पे फोकस्ड है। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेशनल ग्रोथ जोहार, तो जोहार जो है वो जोहार आपका वर्ल्ड बैंक है, जोहार आपका वर्ल्ड बैंक का है। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे दो ही सपोर्ट कर रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक, एक सपोर्ट कर रहा है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। जो तो जल संबंधी कार्यक्रम है उसको सपोर्ट कर रहा है आपको ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक, और जो बाकी जोहार वाला है उसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, भारत सरकार के माध्यम से। तो ये आपका वर्ल्ड बैंक हो गया। अगला, स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाएं, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना, ठीक है ना, ज्यादा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। अबुआ आवास, अब देखिए यहां फंस सकते हैं, इसे फंसे होंगे बहुत लोग, इस सवाल में थोड़ा सा आप फंस सकते हैं, क्यों फंस सकते हैं, देखिए क्या किया है इसमें, फंस सकते हैं आप लोग या फंसे होंगे। यहां पर लिखा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब नो सही नहीं है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई थी और इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। भैया जिनको पीएम आवास मिल गया है उसको क्यों मिलेगा, जिनको पीएम आवास ऑलरेडी मिला हुआ है तो क्यों मिलेगा। अब देखिए होता क्या है, एग्जाम में जल्दीबाजी में आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये नहीं पढ़ पाते हैं, और जब आप पढ़ पाते हैं कि सही नहीं है, हो गया खेल खत्म, सवाल पूछा है कुछ, आपके दिमाग में आया कुछ, आंसर मार दिए कुछ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका बी सही नहीं, केवल बी है ना, बी सही नहीं है, क्योंकि सही इसलिए सही नहीं है कि पीएम आवास में मकान नहीं मिलेगा। चलिए अगला, मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य, तो मुख्यमंत्री जनवन योजना का वास्तव में उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि वृक्षारोपण करो और अपनी आय बढ़ाओ, भूजल का जो पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको प्रिजर्व करो और पर्यावरण में संतुलन कायम करो,
लेकिन रेशम उत्पादन से संबंध इसका नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका 29 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रेशम उत्पादन। यहां भी लोग फंसे हैं, यहां भी लोग हम देख रहे हैं बहुत सारा जो है उसमें डी मारा हुआ है, किसानों की अपनी अपनी भूमि पर वृक्षारोपण। ये है, किसान चाहेगा तो किसान अपनी भूमि पर पेड़ लगाएगा और एक निश्चित समय के बाद वो पेड़ को काट सकता है और उसकी जो राशि होगी वो उसी को मिलेगी। अथवा एक और कि पेड़ लगाएगा और पेड़ को लगाने के बाद पेड़ पे आने वाले खर्चे का वहन सरकार करेगी और किसान को देगी। तो ये सब है इसलिए, और ये आपका इसने का मतलब नहीं, तो आपका 29 का ये हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष आदि क्षेत्र में है, यह है लातेहार। लेकिन यहां भी हम लोगों को जेपीएससी का वेट करना पड़ेगा। ऐसे सवाल जिसका डाटा घटते बढ़ते रहता है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। विश्वास मानिए, अगर हजारीबाग दे दिया, अगर हजारीबाग दे दिया जेपीएससी ने आंसर में, तो क्या कीजिएगा, हो सकता है कुछ उसका होगा। तो ऐसे सवाल में जहां पे संभावना है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अभी अभी फिलहाल मान लीजिए लातेहार, लेकिन आगे भविष्य में ये इसका उत्तर बदलाव हो सकता है। सवाल नंबर 30 का जो उत्तर है, जो आंसर है, सो चेंज भी हो सकता है, हजारीबाग भी हो सकता है, अभी लातेहार है। कमेंट कीजिए, अगर आप लोग को अगर नॉलेज है इसमें तो कमेंट कीजिए फटाफट कि लातेहार ही होगा, हजारीबाग क्यों नहीं होगा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हजारीबाग होगा, तो हजारीबाग क्यों होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। ओमार धरने में रोल नंबर का 2 सर्किल्स फिल कर दिए, क्या होगा, कोई बात नहीं है। 194 कटअप ना, उसका मत बोलिए, ठीक है ना। ओमार भरने में कोई बात नहीं, 2 सर्किल आप कर दिए है ना, तो फिल कर दिए है ना, तो उसमें क्या कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 सर्किल फिल कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलना चाह रहे पता नहीं, ठीक है। तो इसका होगा आपका लातेहार। अगला होगा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसका उत्तर है भैया, जो डाटा वाला सवाल है सीधे आगे बढ़िए, 23,721 वर्ग किलोमीटर है ना, जो डाटा वाला सवाल है। अब आगे बढ़िए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये इसका उत्तर होगा आपका 48 का ए। बेतला है ना, बेतला, अब बेतला तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना, बेतला तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बेतला बेतला है ना। बी फोर बाइसन, ई फोर एलिफेंट एलिफोंट, टी फोर टाइगर, एल फोर है ना लियोपार्ड, एफ फोर एक्सिस चीतल। तो इसका जो एरिया है, वर्ग क्षेत्र है, वो आपका 236 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, सॉरी 226 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बेतला। बेतला हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, बेतला। अब बेतला का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, बी फोर बाइसन, ई फोर एलिफेंट, टी फोर टाइगर, एल फोर लियोपार्ड और ए फोर एक्सिस चीतल, इसका पूछता है हमेशा। अब देखिए ना, कुछ सवाल आपने दिखाई पड़ रहा है, नेतरहाट हमेशा पूछता है, बूढ़ा घाट हमेशा पूछता है, बेतला हमेशा पूछता है, दलमा अभ्यारण हमेशा पूछता है, ठीक है ना, कारखाना हमेशा पूछता है, एचईसी रांची हमेशा पूछता है, गोमिया वाला हमेशा पूछता है। ये 25-20 सवाल ना पेटेंट सवाल जेपीएससी का है, जेपीएससी मतलब झारखंड के एग्जाम का, खाली जेपीएससी ने, उसमें जेएसएससी भी आएगा, दरोगा वाला भी आएगा, सीजीएल भी आएगा, झारखंड सिपाही भी आएगा, उत्पाद सिपाही भी आएगा, फॉरेस्ट गार्ड भी आएगा, सारे एग्जाम में 25-30 सवाल आपका फिक्स है ना, कौन सबसे जनसंख्या में, कौन क्षेत्रफल में, ये सब सवाल। और सुन लीजिए एक बात, जान लीजिए, बहुत पते की बात बोल रहे हैं, जो ज्यादा पढ़ाकू लड़के है ना, वे लड़के क्या करते हैं, वे लड़के जिसमें कॉन्सेप्ट है सही कर लेते हैं, जो ज्यादा पढ़ाकू लड़के होते हैं वे कॉन्सेप्ट वाला सही कर लेते हैं, और फंसते हैं किसमें, इसी में डाटा फंस जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन जो डेटा वाला सवाल है वहां पे पढ़ाकू लड़के फंस जाते हैं, और वहां पे वनडे के बच्चे, जो जेएसएससी रेलवे बैंक के बच्चे हैं, वे डेटा वाला मांगे मार देते हैं। ये देख लीजिए आपको इसको। अगला, झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने के कारण, ये पूछा गया सवाल जेपीएससी इंटरव्यू में, झारखंड लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में पूछा गया है कि क्या कारण है कि आजकल भारत में गिद्धों की संख्या कम होती जा रही है। अब समझिए,
जेपीएससी कौन, छठी जेपीएससी, छठी जेपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है कि ऐसा क्या कारण है, भारत का बात है, यहां पे झारखंड जोड़ दिया खाली, यहां पे खाली झारखंड जोड़ दिया, लेकिन ये बात भारत है कि भारत में गिद्धों की संख्या क्या है। तो ऐसा ऐसा केमिकल दवा आ गया है जो दवा, जो पशुओं में दवा का खूब डाला जाता है, और वो पशु क्या कर रहे, जब पशु मर जाते हैं तो उन मरे हुए पशुओं को गिद्ध खाते हैं, और जब गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध भी कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक रूप से मर जाते हैं, इसीलिए गिद्धों की संख्या भारत में कम हो रही है। ये कहीं नहीं, ये झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, छठी जेपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है कि भारत में गिद्धों की संख्या में कमी क्यों, कौन कारण है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर आपका 34 का ए। हम जो यहाँ पे मेरा जो डिस्कशन कर रहे हैं सब में लाल स्क्वायर लगाया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका 34 का ए हो गया। 35 का देखते हैं। अब देखिए एक है आपका जैविक मरुस्थल। अब देखिए मजेदार बात, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि क्या होता है जैविक मरुस्थल, है ना। तो जैविक मरुस्थल किसको बोलते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तो किसको बोलते हैं जैविक मरुस्थल, किसको बोलते हैं फटाफट कमेंट कीजिए, एक सेकंड के अंदर। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत लोगों को हम बोल रहे हैं ना, जेपीएससी में 5-6 सवाल ऐसा था जिसको समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या कहना चाह रहा है ना। तो जैविक मरुस्थल, ठीक है ना, जैविक मरुस्थल ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में जो नदी बहती है उस नदी में एक भी जलीय जीव अथवा मछली नहीं पाया जाता है, उसको बोलते, मतलब जलीय जीव और मछली अगर नहीं पाया जाता है तो उसको बोलते हैं जैविक मरुस्थल, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिए मार्क्स या क्वेश्चन 115 क्वेश्चन फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, किसको बोलते हैं जैविक मरुस्थल, है ना। तो इस क्षेत्र में जल नहीं है, जल भैया है, जल का रंग काला है, इसे कोई मतलब नहीं है। इस जल क्षेत्र में बालू का नीचे में अधिक है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव ही नहीं, मतलब है ही नहीं, वहां पे कोई भी मछली नहीं पाया जाता है, अथवा अगर मछली नहीं मिल रहा है तो मछली के अलावा कोई जलीय जीव वहां पाया जा रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि बढ़ चुका है प्रदूषण के कारण, है ना, प्रदूषण के कारण वहां पे कोई भी जलीय जीव अथवा जलीय मछली नहीं पाया जाता है, और यह क्षेत्र है इसको कहते हैं जैविक मरुस्थल, ठीक है ना, जहां पे वाटर में जीव नहीं पाता। हाँ ठीक बोले, जियाउल जी ने कमेंट किया है, जियाउल अंसारी जी ने कमेंट किया है, पीटी में आरक्षण मिलता है, नहीं मिलेगा पीटी में आरक्षण, मिलेगा मिसगाइड मत कीजिए, पीटी में आरक्षण मिलेगा भैया, पीटी में आरक्षण मिलेगा, पीटी में सिंगल कट ऑफ नहीं आएगा, पीटी में आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मतलब क्या होता है, अगर कोई एसटीएससी, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से हम बोले जा रहे हैं, ध्यान सुन लीजिएगा, कोई भी एसटीएससी अथवा ओबीसी 1, ओबीसी 2 अथवा ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के नंबर से ज्यादा, कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाएगा तो वह जनरल में जंप कर सकता है, ये झारखंड में नियम लागू है। तो आप किसी को मिसगाइड मत कीजिए, सिंगल कट ऑफ की बात या नहीं, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ बनेगा उस कट ऑफ से अगर कोई एसटीएससी लड़का अथवा ओबीसी लड़का ज्यादा नंबर ले आएगा तो वह जंप कर सकता है, किसमें, जनरल कैटेगरी में वो जंप कर सकता है। ऐसा सब जगह है और ये यहां भी है, तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है ना। पीटी में आरक्षण मिलता है, पीटी में आरक्षण आपको मिलेगा, है ना। चलिए, क्योंकि ये बदलाव हुआ है, ये पीटी में आरक्षण जो है बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। यही चेंज हुआ है कि कोई भी लड़का आरक्षित श्रेणी का है वह जंप कर सकता है, जंप कर करके जनरल में जा सकता है। चल, यही तो विवाद था। तो ये हो गया अगला, किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक गैस शौचालय खोला गया है, उसका तो क्या होगा, रांची, उसका तो हो जाएगा आपका रांची। 18 देख लीजिए, 2018 में उद्घाटन हुआ था और 2024 में पूछा गया। अगर गलती से हम लोग टेस्ट में सेट कर देंगे तो लड़का लोग जान मार देगा, लड़का लोग गर्दन दबा देगा कि बाप रे बाप, कैसा घटिया कोचिंग सेंटर है कि इन लोगों को 18 का सवाल पूछ दिया, टेस्ट
एक सीरीज में अगर हम लोग 24 में परीक्षा हो रहा हो और गलती से 22 का सवाल पूछते हैं तो 10 ठो हम लोग गाली मिल जाता है। अब देखिए जेपीएससी क्या किया है, 2018 में जो उद्घाटन हुआ था रांची में एरोबिक जय शौचालय, तो उसको पूछा गया है। इसका मतलब साफ है कि सभी लोग करते हैं और होना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 10 बड़ा सवाल तो जान के पूछेगा कि आपको उलझा दिया जाए, जो उलझेगा उस जो उलझेगा फंसेगा। अब देखिए अगला सवाल आपका है, झारखंड के जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के नुकसान पहुंचाने वाले, तो झारखंड के जो बायो झारखंड का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचाने वाला क्या, ये भी है ये भी है ये भी है, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, जंगल घट रहा है, शहरीकरण झारखंड में शहरीकरण खूब हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, झारखंड का जो कस्बा कस्बा अब शहर की ओर अग्रसर बनने की है, झारखंड का गांव झारखंड के गांव का शहर बनने की अग्रसर है। झारखंड के गांवों में अब हमको लगता है 80% सबका घर मकान बन गया है पक्का वाला, सबके यहाँ मोबाइल फोन है, सबके यहाँ टीवी है, सबके यहाँ बाइक है, ऑटो 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 रिक्शा का टेम्पू है, कार है, दुकान खुल गया है। तो झारखंड का गांव भी अब जो है शहर बनने की ओर चल पड़ा है, कस्बा गांव तो बन ही गया है। तो ये आपका इसमें सभी होगा, 37 के आपका डी होगा। अलका वन कानून, अब देख लीजिए यहाँ पे आंसर होगा सी, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ, यहाँ सी आंसर होगा, इसको मत मानिएगा आप लोग, इसको मत मानिएगा। सुनिए क्या है, संरक्षित वन के तहत से तात्पर्य क्या है, इसमें जब हम लोग फंसे हैं तो आप लोग जरूर पक्का फंसे होंगे, 4-5 क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, समझ में आपको नहीं आया होगा, समझ सुनिए क्या बोल रहा है। संरक्षित वन में जंगलों को तो बचाया जाता है लेकिन पूर्णतः पाबंदी नहीं होती है, उसमें क्या होता है कि उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है, तो कुछ 90% जो गतिविधि है उस पर रोक लगा दिया जाता है कि ये जो जंगल एरिया है इसमें आप ऐसा गतिविधि नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए लकड़ी नहीं काटेंगे, पत्ता नहीं तोड़ेंगे, दतवन नहीं तोड़ेंगे, कोई जंगली सामान उसको आप खराब नहीं करेंगे, जंगल में आग नहीं लगाएंगे, जंगल में पशु लेके नहीं जाएंगे, जंगली लकड़ी काट के जलाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, जंगल में अगर खैर का पेड़ है तो उसको प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसा है लेकिन पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा होता, तो इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना, पूर्णतः प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए मान लिए करण गणेश जी, मान लिए प्रोडक्शन में झरिया है और एरिया में करण पूरा, हाँ गणेश जी मान लिए, गणेश कुमार जी आपका हम बात मान लिए, अगर आपने इसका मतलब अगर अच्छा गया है आपका एग्जाम तो अच्छी बात है, बढ़िया है, आप इसको बार-बार रिपीट कर रहे थे, बता दिए कि आपने सही कहा, झरिया जो है सो है प्रोडक्शन में और एरिया में करण पूरा, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अब बात है ना कि हमारे और आपके बोलने से कुछ होने वाला है, जो जेपीएससी आंसर की देगा वही मान्य होगा, तो करणपुरा देगा कि झरिया देगा, वो बड़ा का माई झारखंड लोक सेवा आयोग, हम लोग का माई बाप, हम लोग का माई बाप कौन है, हम लोग का माई बाप है झारखंड लोक सेवा आयोग, नीलिमा केरकेट्टा, तो केरकेट्टा महोदया जो कहेंगे वही होगा। तो ये देख लीजिए इसमें आपका सी होगा, ठीक है ना। चलिए ये तो सिंपल सवाल था, कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है, इसका आंसर सी होगा आपका, जलीय जीवन कार्यक्रम की कमी। अगला जन इसके लिए देख लीजिए, अब यह सवाल जो है मुख्यमंत्री वाला, मुख्यमंत्री जन वन योजना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, उसका हो जाएगा आपका सी, इस योजना हेतु सूचित दर का कुल लागत का 70%, वास्तव में पहले राशि 50% थी, वास्तव में यह राशि पहले 50% थी और अब राशि का दर बढ़ा करके 75% कर दिया गया है, तो ये इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा 40 का आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के लिए तकनीकी उपयोग योजना, तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि कहां पे है, जो कि रांची में है, जो कि रांची में अवस्थित है, तो कोई भी आपदा है ना, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, झारखंड में आने वाले कोई भी आपदा, अगर भूकंप की संभावना हो अथवा कोई महामारी की संभावना हो अथवा कोई ऐसा हो जो आपदा आने वाला है, तो उसका जो टेक्निकल काम करता है ये है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कहां पे अवस्थित है, रांची में आपका स्थित है, तो ये आपका हो गया रांची वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब देखिए ये सवाल कितने लोग समझ में नहीं आया,
यह सवाल तो हमको लगता है कि 90% लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। सवाल नंबर 42 जो है सो 90% लोगों को समझ भी नहीं आया होगा, समझ में नहीं आया होगा, हमको पक्का ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आया होगा 90%। अब देखिए क्या है, ये जो शुभ है ना, ये जो है सुभाग्यता है ना, सुभाग्यता आकलन, ये वास्तव में क्या है, आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, पहला बात उद्देश्य नहीं लिखा हुआ है, यहाँ फंसे हैं बहुत लोग, उद्देश्य है उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है उद्देश्य नहीं है, जहां ये आया तो फंसे हैं बहुत लोग, तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पहला। अब देखिए इसमें इसमें क्या है, तो प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों के प्रभाव का सामना करने, ये जो सुभेदता आग्रह है ना, ये क्या है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित खतरों के प्रभाव का सामना करने के लिए अथवा प्रतिरोध करने के लिए। तो वास्तव में किसी भी आपदा प्रतिक्रिया का जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स है, वो ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, नहीं है, तो नहीं है में तो क्या ए हो जाएगा, और ये है मानव जीवन की सुरक्षा करेगा, बचाव करेगा, आपदाग्रस्त लोगों का राहत करेगा, अस्थाई आवास व्यवस्था करेगा। अगर भूकंप आ गया हो और भूकंप आने के बाद सारे अस्थाई आवास ढह गए हो, तो ये जो आपदा डिपार्टमेंट है, आपदा प्रबंधन के लोग टीम है, वो उन लोगों के लिए टेम्पररी ही सही आवास की व्यवस्था करेगा, और उसके साथ ही साथ अगर ढह गया है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा। अब यहां पे बात है कि यहां पे नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ऐसा ऐसा सवाल पूछा है, और हमको लगता है कि झारखंड में 90% लोगों को सवाल इसमें दिक्कत जरूर हुआ होगा, मेरा ऐसा मानना हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो बाकी नहीं ना, 100% नहीं, ऐसा बात नहीं है, झारखंड को ऐसे हल्के मत लिया जाए, झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है भैया, झारखंड में एक से एक टैलेंट है, झारखंड में एक से एक टैलेंट है, झारखंड में एक से एक टैलेंट है। और टैलेंट देखना है तो शाम में 7 बजे के बाद जब देसी महुआ का ठर्रा और देसी हड़िया जब पी लेते हैं तो झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। शाम 6 बजे के बाद, 6 PM के बाद सूर्य अस्त, झारखंडी मस्त है ना, हम लोग के बारे में कहा गया है कि सूर्य अस्त झारखंडी मस्त, जहां सूर्यास्त हो गया तो हम झारखंडी मस्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं मस्त हो जाते हैं, टैलेंट के बल पे। क्या है टैलेंट, झारखंडी महुआ और झारखंडी हड़िया, और जब मस्त होते हैं तो हमारी नौकरी कौन ले आता है, यूपी वाले, बिहार वाले, हरियाणा वाले, जो यूपी वाले हैं, हरियाणा वाले हैं और बिहार वाले हैं, वो आते हैं झारखंड में और सारी नौकरी चुरा के यहां से ले जाते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त झारखंडी मस्त। तो ये बात है, देख लीजिए। तो ये सवाल था, इसका आंसर ए होगा, ठीक है ना। अगला, भूकंप वाला जो जोन है, तो भूकंप वाला जोन में 2 और 3 है, झारखंड का जो बांट के रखा गया है ना, मेंस का क्वेश्चन 42 वाला मेंस क्वेश्चन है, हाँ। तो इसमें इसका जोन 2 और 3 ही है, ठीक है। चलिए अब ये आस तूफान आया था कब, 2021 में, ये वास्तव में उड़ीसा के तट पे आया था, ये वास्तव में उड़ीसा के तट पे आया था, झारखंड में ही आया नहीं था, लेकिन झारखंड में प्रभावित किया था, उड़ीसा का तट और पश्चिम बंगाल का तट है ना, पश्चिम बंगाल के तट पे आया था ये आस साइक्लोन। स्पेलिंग इसका क्या है, AYASS साइक्लोन, ये आया था है ना। तो ये आपका आया था उड़ीसा के तट पर और बंगाल के तट पर 2021 में, लेकिन उसका आंशिक ही सही, उसका आंशिक बोलिए, आंशिक प्रभाव झारखंड में पड़ता है। एक बात आप जान लीजिए, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल के तट पे जब भी चक्रवात आएगा भैया, तो झारखंड का मौसम अपने आप बदल जाएगा, झारखंड में या तो थोड़ा सी बारिश हो जाएगी या झारखंड में तेज हवा के साथ बारिश होगी, झारखंड का तापमान कम हो जाएगा। तो ये आपका यास था। कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है, आंख बंद कीजिए पलामू, आंख बंद कीजिए, तो लातेहार है ना,
लातेहार और पलामू, पालामाऊ, पलामू और गढ़वा, गढ़वा ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे क्या होता है, जहां पे वर्षा 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 न्यूनतम होती है, वर्षा न्यूनतम होती है और ये हमेशा सूखाग्रस्त में भूमि का जल स्तर भी कम हो जाता है, जो भूमि का जल स्तर है, जो भूमि का जल स्तर है वो भी कम हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, ऐसा सवाल में तो आंख बंद करना है। रांची, रांची तो होगा नहीं, दुमका तो होगा नहीं, हजारीबाग तो बल्ले बल्ले है। कहेगा ना कि हजारीबाग का मौसम और हजारीबाग का मोहन सिनेमा हॉल, हम लोग पहले कोलंबस में, हम कोलंबस से हम बीएससी किए हैं तो कोलंबस में पढ़ते थे, तो कहेगा ना कि हजारीबाग का मौसम और हजारीबाग का मोहन सिनेमा, मोहन सिनेमा, मोहन टॉकीज कब बदल जाएगा उसका गारंटी नहीं है। तो हजारीबाग में तो बारिश का कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया पलामू, पलामू हमेशा जल संकट या भूमि के जल स्तर का सामना करना करता है। पलामू और पलामू से कट के बना है लातेहार भी, पहले गढ़वा, गढ़वा भी और लातेहार भी, ये तीनों ऐसे जिले हैं, पलामू जिला, लातेहार जिला, गढ़वा जिला, जो हमेशा सूखा का संकट का सामना करने पड़ते हैं। हजारीबाग का मोहन सिनेमा हॉल, सही बात है, सही बात है, यूनिक साइंस क्लासेस लातेहार, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ जाएगा 115, कट ऑफ भैया 115 से लेकर के 120 तक जो जो कैटेगरी है जनरल में उनका बल्ले बल्ले है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो हवाबाज, आजकल हवाबाजों का, अब एक सुनिए बड़ी मजेदार बात, कुछ लोग दिन भर कल 17 मार्च को, अब सुनिएगा, 17 मार्च को दिन भर व्हाट्सएप पे एक्टिव थे। भैया जब 17 मार्च के रविवार दिन को सुबह से लेकर शाम तक आप व्हाट्सएप पे एक्टिव थे तो अब जेपीएससी का परीक्षा देने कर गए, नहीं गए होंगे, और वही लोग ज्ञान फैल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आके, वही लोग ज्यादा ज्ञान देते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। एक हवाबाजों की फौज पैदा हो गई है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हवाबाजों की फौज पैदा हो गई है, सोशल मीडिया पे हवाबाजों की फौज पैदा हो गई है। उसका काम है क्या, उसका काम है हल्ला करना, हंगामा करना, एक्टिंग करना। मेरा तो सर 140 जा रहा है, क्या मेरा पीटी हो पाएगा, मेरा तो सर 135 ही बन रहा है, क्या मेरा पीटी हो पाएगा। अरे भैया नहीं हो पाएगा आपका, जिसका 115 है ना, जिसका 115 120 है ना, उसी का पीटी होगा भाई, उसी का पीटी होगा, 15 16 17 18 21 22। और जिसका 140 है ना, जिसका 140 प्लस है भैया, उसका पीटी नहीं होगा। जिसका भी 140 प्लस है, जिसका 145 है, 50 है, 160 है, वो कृपया करके हमको दे दीजिए पेपर, हम चेक करते हैं कॉपी आपका। जिनको भी अभिमान हो गया है, जिनको अहंकार हो गया है कि मेरा जो कट ऑफ है 145 है, 150 है, 152 है, तो उन महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि हमको दे दीजिए चेक करने के लिए, हम आपको ला करके 120 में पहुंचा देंगे। क्योंकि कहां कहां गलती आपने किया होगा, EWS का, EWS का ज्यादा नहीं जाएगा, EWS का जाएगा आपका 112 के आसपास, EWS का जाएगा आपका 112 के आसपास, EWS 112 के आसपास जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बात भी सही है, निकी भारती जी से मैं सहमत हूं, हम लोग भी, ये बात भी सही है, एकदम सही है। यूट्यूबर, यूट्यूब के टीचर भी हवाबाज हो, उसमें हम भी शामिल हैं, हमें नहीं बोल रहे कि हम बड़का दूध के धोए हो, ये बात भी सही है। छात्रों का एक हवाबाजों का फौज और शिक्षकों का, टीचर का भी एक हवाबाजों का फौज पैदा हो गया है, उसमें हम भी शामिल हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, छात्रों को सपने दिखाना, ये करना वो करना, आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का उद्देश्य है मोटिवेशन, हम लोग का जो उद्देश्य, मेरा तो उद्देश्य है मोटिवेशन, मेरा तो होता है उद्देश्य की मोटिवेशन। अब इतना नेगेटिव माहौल में, अब समझिए आज का और कल का जो नेगेटिव माहौल है, इस नेगेटिव माहौल में भैया कौन क्वेश्चन पेपर लाकर डिस्कस करेगा, कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हर तरफ नेगेटिव माहौल है। और हम अगर नेगेटिव माहौल में भी सवाल डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, अथवा जो आप नेगेटिव अवस्था में चले गए हैं आपको हम बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे निक्की भारती जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूं, यूट्यूब में छात्रों का हवाबाज छात्र और हवाबाज मास्टर, ये फौज आ गई है, उसमें हम भी अपने आप को शामिल मानते हैं कि थोड़ी मोटी हवाबाजी हम भी करते हैं,
इसमें कोई तो ये पलामू हो गया आपका दुभिया। अब सुनिए दुभिया, दुभिया वास्तव में झारखंडी डांस नहीं है, दुभिया वास्तव में भोजपुरी डांस है और भोजपुर से झारखंड आया है। भोजपुर की बहन कौन है, बगल में खोटा है, खोटा भाषी, और यहाँ पे झारखंड, ये झारखंड में जो है आपका दुभिया डांस आया है। और इसमें क्या होता है, इसमें घुंघरू है ना, इसमें शायद घुंघरू, यहाँ घुंघरू है, घंटी बजाकर, घंटी बजाकर, ये जो दुभिया डांस है इसमें घंटी बजाकर, इसमें घंटी बजाकर, घंटी बजाकर और घुंघरू बजाकर, घुंघरू बजाकर डांस करते हैं, घुंघरू बजाकर डांस करते हैं। तो ये झारखंडी डांस है, लेकिन ये वास्तव में झारखंड में जो डांस है वो भोजपुर क्षेत्र में आया है। पहले ये पॉपुलर हुआ करता था भोजपुर में। और मजेदार बात क्या है, भोजपुर में धीरे धीरे अब यह विलुप्त हो रहा है, भोजपुर में धीरे धीरे अब यह विलुप्त हो रहा है, और झारखंड में खूब है, खोटा भाषी क्षेत्र है वहां पे खूब है ना। ओबीसी में 116 आ रहा है पीएस केंद्र, अरे वाह बहुत है। जिसका ओबीसी में 116 है, मेरी मानिए मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। आकाश कुमार बोल रहे हैं सब पैसा का खेल है, भाई भूखे पेट कौन करेगा, सिस्टम बहुत महंगा है, ठीक है ना, तो पैसा खेल दो। तो ये आपका हो गया। अब झारखंड का कौन जिला, अब देखिए ये सवाल 50 बार पूछा गया है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा खूंटी जिला, कोई ऐसा एग्जाम हम बता रहे हैं ना, 20 से 25 सवाल ऐसे हैं जो पेटेंट है, बिरसा मुंडा खूंटी, बिरसा मुंडा खूंटी, है ना। तो खूंटी आंख बंद करके खूंटी मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये सवाल भी लॉली, ये भी सवाल पूछता है हमेशा, तिलैया नदी बराकर, तिलैया डैम बराकर नदी, पांच बता रहे ना, 10-20 सवाल एकदम पेटेंट है। तो बराकर डैम, तिलैया नदी, ये तो होगा ही होगा। अब देखिए झारखंड में बहने वाली नदी, तो उसमें क्या होगा, स्वर्णरेखा नदी सही है, बराकर नदी सही है, दक्षिणी कोयल सही है, शंख नदी क्या है, शंख नदी निकलता है गुमला से आपका, है ना, शंख नदी आपका जो है सो गुमला के लुपुंग पाट गांव से निकलता है। ये जो शंख नदी है, ये शंख नदी कहां से निकलता है, ये निकलता है आपका गुमला, गुमला जिला, गुमला जिला के लुपुंग पाट से, लुपुंग, लुपुंग पाट गांव का नाम है, लुपुंग, लुपुंग पाट गांव का नाम है। तो त्रिकुट पहाड़ी ये नहीं होगा, त्रिकुट पहाड़ी ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब सुनिए, अब सुनिए क्या है परीक्षा में समस्या, क्या है परीक्षा में, कहां कहां फंसे हैं लोग, या कहां परीक्षा में आप, क्योंकि हम बता रहे हैं ना एग्जाम हॉल में 2 का 4 दिखता है, पता है कि नहीं आपको, इतना प्रेशर होता है परीक्षा में कि जो 2 उंगली है ना वो 4 दिखाई पड़ेगा। जैसे एग्जाम हॉल में एंटर कीजिएगा, तैयारी आपकी कमजोर है ना, तो ये 2 उंगली 4 दिखाई पड़ेगी, ये 2 4 दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, देख लीजिए, झारखंड की बहने वाली नदियों और उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए भैया, गलती से अगर सही नहीं, मतलब नो, नहीं का मतलब क्या, नो, अगर गलती से नो दिखाई नहीं पड़ेगा तो फंस जाएगा आदमी, है ना। तो इसलिए आप देख लीजिए, ये आपका शंख नदी है, त्रिकुट पहाड़ी इसका आंसर होगा। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं आपके साथ, सबके साथ, जो अभी सुनिए ना, जो जेपीएससी में टॉप करने वाला होगा उसको भी लग रहा होगा कि मेरा एग्जाम पीटी का उतना अच्छा तो नहीं गया है, लेकिन गिरते पड़ते पीटी पास करेगा, गिरते पड़ते मेंस पास कर लेगा, इंटरव्यू में जाएगा, और फिर गिरते पड़ते वो बन जाएगा डिप्टी कलेक्टर, और जब देने जाएगा इंटरव्यू झारखंड के मीडिया में तो क्या बोलेगा, हम किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए नहीं थे, हम ईटा भट्टा में काम करते थे, हम गाय का गोट उठाते थे और घर में रहते थे गांव में, और हम तो जेपीएससी टॉप कर गए, फिर ये आएगा, देख लीजिए ये होगा। तो अगला जतरा भगत 1914, 75 बार पूछा है, टाना भगत, जतरा भगत का सुदी मूवमेंट 1914, जानूम सिंह सोय जो हो भाषा के जानकार हैं, ये टेस्ट में पूछा गया था, टेस्ट में पूछे भी है, जानूम सिंह सोय जो कि हो भाषा के जानकार हैं, वो पद्मश्री का सम्मान दिया गया है किसमें, शिक्षा और साहित्य, है ना, शिक्षा और साहित्य। अब देख लीजिए झारखंड राज्य में जो आया है क्या, झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध, तो झारखंड के लिए निशुल्क कोचिंग, झारखंड के लिए निशुल्क कोचिंग से जुड़ा हुआ है झारखंड मुख्यमंत्री सारथी स्कीम, झारखंड मुख्यमंत्री सारथी स्कीम है तो जो, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, अभी बहुत लोगों को लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है।
जियाउल जी बोल रहे हैं कि हम आपका नाम लेंगे, ठीक है। हाँ ये बात सही, आकाश कुमार बोल रहे हैं कि बकरी चराते थे, मैं तो बकरी चराता था, मैं तो ईटा भट्टा पे काम करता था, मैं तो दिन भर भूखा रहता था और भूखे पेट जाता था, मैं तो एग्जाम सेंटर पैदल एग्जाम देने गया था। बहुत सारी नौटंकी करेंगे टॉप करने के बाद। देखिए जेपीएससी परीक्षा पास करने के बाद भैया जो बोलेगा वही माना जाता है। तो सारथी स्कीम में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब देखिए इसमें फिर देखिए यहाँ पे नहीं है, देख लीजिए नहीं है। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है, है ना? तो वो कौन है? परहा के पारंपरिक प्रमुख मानकी का नाम पद्म ठाकुर कर दिया गया था, ये है। अब यहां देख लीजिए नहीं का मतलब क्या, नहीं का मतलब नो। जहां जहां नहीं है वहां वहां फसल कैंसिल। गौरव जी जहां तक बात है ना कि कैंसिल वाली बात है तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम लोग काम करते हैं। कल के बाद हमारे महामहिम झारखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्षा हैं श्रीमती नीलिमा करकेट्टा जी, उनको पता नहीं कब आएगा और कब बच्चों के लिए वो बताएंगी अपने की भाई मीडिया में आके जैसे भी। तो अभी वेट एंड वॉच है, वेट एंड वॉच कीजिए, देखिए क्या होता है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर 53 का बी है। कटहा का संबंध किससे है? ढोकलो से हो। कटहा भैया करता क्या है पता ही है आपको, है ना? 20-25 लोग अनुभवी लोग हो जाते हैं, है ना? कटहा क्या है? 20-25 अनुभवी लोगों का समूह है। वे लोग क्या करते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं उनको क्या करते हैं? उनको दंड देते हैं ढोकलो स्टोर व्यवस्था में। और ये 20-25 लोगों का समूह है, 20-25 लोगों का समूह है, तो ये क्या करते हैं? ये दंड देते हैं। तो ये होगा आपका ढोकलो सोहर व्यवस्था, ढोकलो सोहर में, ठीक है ना? ढोकलो सोहर में है, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल आपका है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में काम करते हैं? ये क्या करता है? गांवों तक सूचना को पहुंचाना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। भूमिका में क्या है? महतो गांवों तक सूचना को पहुंचाते हैं, है ना। 55 का हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़िए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान यहाँ पे कर क्या रहा है? उप प्रधान वास्तव में क्या करता है ना, मांझी की अनुपस्थिति में, है ना, मांझी की अनुपस्थिति में ये काम करता है, है ना, ये काम करता है। कौन? ये प्राणिक, है ना। तो मांझी की अनुपस्थिति में ये काम करता, अगर मांझी होगा तब नहीं, लेकिन मांझी कहीं गया हुआ हो या मांझी एब्सेंट है, मांझी बीमार पड़ गया हो, मांझी मर गया हो या मांझी को बिटलाहा कर दिया गया हो, ऐसा मत मानिए, कभी कभी बिटलाहा कर दिया जाता था मांझी को भी, बिटलाहा कर दिया जाता था किसको? मांझी को। अब जैसे मांझी को बिटलाहा कर दिया जाएगा मतलब उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जब तक मांझी भात भीतर मतलब खस्सी का मीट और भात नहीं खिलाएगा तब तक उसको बाहर रखा जाएगा, और उसके एब्सेंस में कौन काम करेगा? ये काम करेगा प्राणी। चलिए अगला, उराव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान महतो, उराव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन? महतो। 57 का आपका बी। आगे बढ़िए, मुंडा मानकी व्यवस्था में, अब देखिए फिर यहां देखिए नहीं है, इसमें बहुत लोग फंसे हैं, नहीं मतलब नो। मुंडा मानकी व्यवस्था में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानकी जब राजस्व वसूलेगा, जब मानकी रेवेन्यू वसूलेगा तो रेवेन्यू में परसेंटेज तो लेगा ना भैया, कि नहीं लेगा? लेगा परसेंटेज, मतलब अपना परसेंटेज लेगा। यहां बोल रहा कि सही नहीं है, तो वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंश कमीशन नहीं मिलता था, यह बात सही नहीं है। क्योंकि मानकी जब वसूल करेगा तो मानकी को वसूल करने के एवज में कुछ रेवेन्यू परसेंटेज उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कि मानकी को रेवेन्यू परसेंट दिया जाता था। तो 58 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, राखी जी बोल रहे एग्जाम कैंसिल मेरे विचार से नहीं होगा, लेकिन अब जेपीएससी क्या करती है अभी देख लीजिए क्या करने वाली है। तो ये आपका हो गया 58 का डी। नाया किस जनजाति के मुखिया का नाम है? बिरहोर। पंचायत का मुखिया जो नाया होता है वो किसका होता है? वो होता है आपका बिरहोर का।
पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? मांझी। ये सब कंठस्थ किया हुआ आपका होगा। पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या बोलते हैं? मांझी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अगला नाग वंशावली। अब देखिए मजेदार बात है नाग वंशावली। जो नाग वंशावली है ये कौन? बेनी राम महथा। नागवंशी शासकों की एक वंशावली तैयार की जा रही थी, ये वंशावली तैयार किया जा रही थी, और वंशावली में नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर पे एक शासक था जिसका नाम था नृपति प्रताप राय। नंबर चार पे था नृपति प्रताप राय, और नृपति प्रताप राय ने नागवंशावली में, ये नागवंशावली का रचनाकार या जो उसकी लिखवैया वो था बेनी राम महथा। वो कौन था? वो था आपका बेनी राम महथा। ये था आपका बेनी राम महथा, बहुत पॉपुलर है बेनी राम महथा। बेनी राम महथा, महथा वास्तव में बंगाल का टाइटल है। वास्तव में महथा, महथा जो टाइटल है ये टाइटल बंगाल का टाइटल है। पतरातू से लेकर के बोकारो के आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं वहां महथा बोलते हैं। तो बेनी राम महथा ने नागवंशी शास्त्र जो वंशावली लिखी है उसमें कहा था कि सुतियांबे से चुटिया, नागवंश की जो राजधानी है उसको सुतियांबे से चुटिया ले गया था, और ले गया था कौन? वंशावली का चौथा नंबर का राजा जिसका कि नाम था नृपति राय। तो नृपति राय ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बेनी राम महथा ने अपने किताब नागवंशावली में साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए। हाँ अब देखिए ये है, ये मजेदार सवाल है। ये सवाल किससे किससे बना है ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। सवाल नंबर 62 किससे किससे बना है ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा प्लीज। 1855-56 में संथाल परगना में जब हुल विद्रोह सिद्धू कान्हू भैरव चांद के मतलब उसके नेतृत्व में आगे बढ़ा तो उसकी आग फैली कहां तक? उसकी आग फैली हजारीबाग तक। और 1855-56 का जो विद्रोह है उसमें हजारीबाग तक उसका आग फैला, और हजारीबाग तक जब आग फैला तो उस हजारीबाग में उस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो तीन नाम थे, उस तीन नाम में पहला नाम कौन सा है? पहला नाम है अर्जुन मांझी। पहला नाम है अर्जुन मांझी, पहला नाम है भैया आपका अर्जुन मांझी। कमेंट कीजिएगा किससे किससे सवाल बना था। दूसरा नाम था लुबिया मांझी, दूसरा नाम था लुबिया मांझी, दूसरा नाम था लुबिया मांझी, और तीसरा नाम था बैस मांझी। यहाँ पे बैस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ बैरू लिखा हुआ है कि बैस मांझी होगा। तो ये तीन नाम थे, ये तीन नाम थे, अर्जुन मांझी, लुबिया मांझी। टुका लगा कर दिए सही, श्वेता कुमारी बोल रहे हैं कि तो मेरा सही, आकाश जी का सही है, सरफराज जी का सही है, और उमेश जी का मेरा बना, दीप रंजन जी हम सही किए ठीक है, प्रशांत जी बोल रहे हैं सही है, आस्था आर्या बोल रहे हैं मेरा सही है, चलिए मेरा बना यूनिक, ठीक है ना। तो रॉ साहेब बोल रहे हैं कि माई साहब सही है। तो 1855-56 का जो हुल विद्रोह का आग जब हजारीबाग में फैला तो उसको लीड करने वाला कोई गैर आदिवासी नहीं था, बल्कि आदिवासी थे, और उसमें तीन नाम पॉपुलर है, एक नाम है अर्जुन मांझी का, एक नाम है लुबिया मांझी का, और एक नाम है बैस मांझी का। अब बैस मांझी को यहां लिखा हुआ है बैरू मांझी, लेकिन उसका वास्तविक नाम था बैस मांझी, ठीक है ना। इन लोगों ने किया, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका तो हो जाएगा आपका डी। इसमें बहुत लोग, हमको लगता है कि इसमें भी बहुत लोग फंसे होंगे, जवाब शायद नहीं दे पाए होंगे, हमको ऐसा लगता है, इसलिए हम बोल रहे हैं ना भैया इतना भी सवाल आसान नहीं था। 135, 140, 142, 148 इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है। हम भी आईएएस का मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, हम भी भगचौंधर नहीं है, एक तो वर्ड है ना बिहार झारखंड में कि भगचौंधर, तो क्या होता है भगचौंधर? उसको बोलते हैं भक्चौंधर ना जो कोई भी बात को मान लेता है, उसको भक्चौंधर बोलते हैं। कोई भी किसी की बात को सुन लिया और उसकी मान लिया उसको बोलते हैं भक्चौंधर। तो हम भी भक्चौंधर नहीं है, आईएएस का मेंस हम भी दे चुके हैं, तो हमको पता है इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ गया थोड़ा, हाँ ये अब देखिए इसे फंसने वाली बात, फिर फंसेगा इसमें, इसमें भी सवाल फंसेगा, फटाफट कमेंट कीजिए ये सवाल कौन कौन सही किया। सवाल नंबर 63, सवाल नंबर 63 कौन कौन सही किया है? अब सुनिए मजेदार बात, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये जो बेनिफेस लकड़ा, बेनिफेस लकड़ा है ना,
बेनिफेस लकड़ा, बेनिफेस लकड़ा और इग्नेस बेक प्लस इग्नेस बेक, ये इग्नेस बेक, यही दो लोगों का संबंध था, यही दो लोगों का संबंध था, ठीक है ना, यही दो लोगों का संबंध था चुनाव कैथोलिक सभा में। जूलियस लकड़ा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। संबंध का मतलब होता है कि इफेक्टिव होकर के काम करना। ये जो सभा था, इस सभा में जूलियस लकड़ा और साइमन हेरो और पाल दयाल, इन तीनों लोगों का कोई खास काम नहीं था, कोई खास रोल नहीं था। और सुन लीजिए, छोटानागपुर कैथोलिक सभा में दो ही लोग एक्टिव होकर काम कर रहे थे, और वे काम कर रहे थे कौन, बेनिफेस लकड़ा और इग्नेस बेक। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, बेनिफेस बेक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बेनिफेस लकड़ा। तो इसका 63 का हो जाएगा उत्तर बी, है ना। तो संजय जी बोल रहे हैं ओबीसी का 110, संजय जी ओबीसी में क्या है, बीसी वन की बीसी टू, अगर अगर आप बीसी टू हैं तो 110 में नहीं होगा, अगर आप बीसी टू हैं तो 110 में नहीं होगा, अगर आप बीसी टू हैं तो 110 में नहीं होगा, अगर आप बीसी वन में हैं तो होने की संभावना है, लेकिन अगर आप बीसी टू में हैं और आपका स्कोर 110 है तो आप छोड़ दीजिए, आप कुछ अभी किसी और एग्जाम के लिए पढ़िए। संजय कुमार यादव, हम यादव संजय यादव, तो संजय जी बीसी टू में है तो थोड़ा सा मुश्किल है, झारखंड में यादव पता ही है, यादव जी जो है सो बीसी टू में आते हैं तो भी वहां नहीं होगा, है ना, ठीक है ना। संजय कुमार यादव है तो बीसी टू में नहीं हो पाएगा, है ना। तो देख लीजिए, तो इसमें बेनिफेस लकड़ा सिंपल है भाई, एकदम सिंपल, कि इसमें दो ही व्यक्ति का रोल था, बेनिफेस लकड़ा का और इग्नेस बेक का। ये जूलियस लकड़ा, पॉल दयाल और साइमन हेरो का कोई रोल ही नहीं, तो कहां से आंसर है, ठीक है ना, इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल नहीं बना है, इसका आंसर कमेंट कीजिए, ये सवाल नहीं बन पा रहा है, ये सवाल अभी तक नहीं बन पा रहा है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। रामजीत हांसदा, बुध राय किस्कू और चांद राय टुड्डू, निम्न में से किस आंग जुड़े हुए हैं, ये हमको नहीं। अगर अगर आपने इसका आंसर आप जानते हैं तो सोर्स बताइएगा, कि सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, कौन सा, संथाल हुल या सहयोग आंदोलन की, व्यक्तिगत सत्याग्रह की, पहाड़िया विद्रोह। अगर इसका आंसर आप लोग कोई भी जानते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिएगा उसका उत्तर, और उत्तर के साथ इसका सोर्स बताइएगा। यही एक क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी नहीं पता है, इसका आंसर नो, नॉट अवेलेबल। संथाल, संथाल होगा तो ठीक, संथाल मान लिए तो संथाल होगा तो भैया संथाल होगा तो संथाल कहां दिया होगा, कहीं पढ़े बताइए, जेंडर सोलह हो जाएगा। सुमन केसरी विभूति जी, सुमन केसरी विभूति जी जनरल में है, 116 हो जाएगा आपका संथाल, संथाल 125 ईडब्ल्यू एस। सत्येंद्र शर्मा जी हो जाएगा कन्फर्म, सत्येंद्र जी मिठाई उठाई लाइए और बांटिए, हो जाएगा आपकी ईडब्ल्यू एस। संथाल कहां दिया गया है भैया, संथाल कहां दिया गया बोलिए तब, कहां दिया गया संथाल हो बता दीजिए, सोर्स इसका कहां है, अगर सोर्स है बता दीजिए। 125 ईडब्ल्यू एस, सत्येंद्र शर्मा जी एकदम हो जाएगा, हो जाएगा सत्येंद्र जी। बीसी टू में दो कट ऑफ, रेयर कट ऑफ का भैया हम पता नहीं, उत्तम जी क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका सोर्स क्या बताइए, ये सवाल नहीं बना है, ठीक है, असहयोग, असहयोग बोल रहा है, इसका सोर्स बोलिए, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ये नहीं पता है, इसका आंसर नहीं पता है, इसका आंसर नहीं पता है भैया, नहीं पता है इसका। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब आ गया जैक, अब आ गया जैक, जैक जे ए ए सी, है ना, 1995 में ये जैक बना, लेकिन दिसंबर 1994 में तुलसी, क्या था, तुलसी करके नाम पूरा है इनका, नाम है, इनका नाम है तुलसी सिंह, योजना मंत्री थे 20 दिसंबर, है ना, 20 दिसंबर 1994 को, 20 दिसंबर 1994 को बिहार सरकार में योजना मंत्री, बिहार सरकार में योजना मंत्री तुलसी सिंह, तुलसी सिंह, तुलसी सिंह ने, तुलसी सिंह ने, तुलसी सिंह ने यह झारखंड क्षेत्र स्वशासी ऑटोनोमस झारखंड के लिए बात कहा, और इसका गठन जो है 1994 में हुआ है। 242
होगा हो जाएगा जनरल कैटेगरी, बीसी में 17 हो जाएगा, पहाड़िया होगा पता नहीं, 1994 आंसर होगा सितंबर, नहीं 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 ना सितंबर नहीं होगा भैया, सितंबर नहीं होगा, एकदम साफ साफ है 20 दिसंबर 1994 को बिहार सरकार के योजना मंत्री तुलसी सिंह ने झारखंड ऑटोनोमस है ना ऑटोनोमस काउंसिल जो जैक था उसको गठन का निर्णय हुआ था, और फिर ये बाद में 1995 में बिहार सरकार ने झारखंड के क्षेत्र में, चूंकि झारखंड का जो क्षेत्र था वैसा एरिया जो समाज के मेनस्ट्रीम से बाहर हो गया हो उसको विकास करने के लिए या उसकी समस्याओं को देखने के लिए ये जैक बनाया गया था। साथ ही साथ जो झारखंड अलग होने का जो मूवमेंट चल रहा था उस मूवमेंट को भी सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया था। तो मूवमेंट सपोर्ट करने के लिए जो जैक बनाया गया था वो जैक की जैक का जो गठन है वो दिसंबर में हो गया था 1994 में, ठीक है ना। 110 क्वेश्चन कैटेगरी, कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी कौन सा है 110 क्वेश्चन में बताइए, गेस करके सही किए, चलिए ठीक है, सितंबर ही होगा पता नहीं होगा। 110 क्वेश्चन किसका, अगर एससी है तो 110 में हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, हाँ अब देखिए यही बात बोल रहे थे ना, ये वाला बात, अभी सरायकेला खरसावा में, अभी फिलहाल में सरायकेला खरसावा में, सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा में 145वीं जयंती, 145वीं जयंती मनाई गई है, किसका, गोबंधु दास का, गोबंधु दास का, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, और उड़ीसा में इनको उत्कल मणिक, उत्कल मणिक इनको कहा गया है, उत्कल मणिक इनको वहां पे उड़ीसा में कहा जाता है, और ये अभी हाल ही में सरायकेला खरसावा में 145वीं जयंती मनाई गई है, तो इसीलिए पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के जो नायक थे गोबंधु दास उनका झारखंड के किस जिला में संबंध है, तो पलामू, पलामू नहीं होगा, हजारीबाग नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं, लेकिन 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 अगर इसमें एक शंका है, और शंका क्या है, शंका सुन लीजिए, शंका ये है कि गोबंधु दास को हजारीबाग के जेल में भी रखा गया था, हजारीबाग के केंद्रीय कारा, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग के जेल में उड़ीसा के रहने वाले उत्कल मणिक गोबंधु दास को रखा गया था। अब अगर आयोग ने इस आधार पे हजारीबाग इसका आंसर मान लिया तो सबका गलती होगा, और अगर आपने सरायकेला खरसावा लगाया है तो इसका आंसर आपका सही होगा, क्योंकि यह सरायकेला खरसावा ही होगा, और आज भी सरायकेला खरसावा के लोग इनको याद करते हैं, और अभी हाल ही में 4-5 महीना पहले सरायकेला खरसावा में गोबंधु दास की 145वीं जयंती 145 जयंती मनाई गई है, इसलिए इसका उत्तर सरायकेला खरसावा होगा। लेकिन झारखंड के कुछ संस्थान, अच्छे संस्थान जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने इसका आंसर हजारीबाग दिया है, तो हजारीबाग का आधार क्या है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हजारीबाग का आधार क्या है वह आप लोग कमेंट करते रहिए, अपने स्कोर कमेंट करते रहिए, साथ साथ चलते रहेगा, ये भी चलता रहेगा, अपना अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा, है ना, अपना अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा, थोड़ा देखें कितना स्कोर आया, लेकिन ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि अपना अपना स्कोर कमेंट करें, लेकिन ईमानदारी से कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, वैसे एक अनुमान निकल के आएगा कि सबका क्या क्या स्कोर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला, अगला क्या है, संथाल परगना, हाँ इसका आंसर क्या है भैया, इसका आंसर हो सकता है कि 1971 हो सकता है, यह सवाल गलती लग रहा है, इसका कमेंट कीजिए, 67 नहीं बन पाया, 120 राजू कुमार 120 आराम से हो जाएगा, निक्की जी 130 कंफर्म है, राजकुमार 120 कंफर्म हो जाएगा, मनीष मकरी जी, मनीष मकरी जी 105 बाउंड्री बनी सी कम होगा, धनेश्वर पांडे 121 जनरल हो जाएगा, एक कुमार 100 एससी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 100 में एससी में नहीं होगा, 120 राजकुमार एससी हो जाएगा, दीपक कुमार 122 क्वेश्चन करेक्ट है जनरल हो जाएगा, राखी ठाकुर, राखी ठाकुर पूरा मिलाने पर, हाँ ठीक है, कोई बात मिला लीजिएगा। अब सुनिए इसका 94 कैसे होगा,
विकास प्राधिकरण की स्थापना 1993, ये भी कहीं पे नहीं मिल पा रहा है। 111 जनरल लॉर्ड वेजली नहीं होगा, दिक्कत है। 111 कैटेगरी जिनका जनरल है उनकी होने की संभावना कम है। राजीव रंजन जी, अच्छा अब देखिए क्या हो गया, कोई बोल रहे 87 कोई बोल 94। तो ये सवाल भैया फंस गया, ये सवाल हमसे भी नहीं बना है। ये सवाल का ऑथेंटिक आंसर क्या होगा, ये हमसे भी नहीं बना है। अब आप लोग में क्या हो गया विरोधाभास, कोई बोल रहे 1987, कोई बोल रहे हैं टीम बैलेंस 134 कंफर्म है। मेरियस कक्षा 100 एसटी मुश्किल है, एसटी का 106 से कम नहीं होगा। आदिवासियों एसटी कैटेगरी का 106 से कम नहीं होगा भाई, 106 से कम नहीं होगा। 133 एमकेजी हो जाएगा। मंजू बहतर जी बोल 90, देख लीजिए जो सही होगा। अगर आप बोल रहे 1987 तो हम मान लेते हैं, लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग इसका क्या निकालेगी आंसर, इसको देखा जाएगा, ठीक है ना। 1987 देखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उराव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय माँ के गोत्र में किनके पीढ़ी, ये तो तीन पीढ़ी है ना, ये आपका तीन पीढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। मुंडा महिलाओं का परिधान परिया, पॉपुलर क्वेश्चन है, परिया कपड़ा को ही कहा गया, कपड़ा परिधान ही है, परिधान है, ठीक है ना। इंदू सागर 14 हो जाएगा। बीसी में दिक्कत, बीसी में क्या, अगर बीसी 2 में है तो 14 नहीं हो पाएगा। बेदी 119 एसटी में आराम से। आरकेसी 130 जनरल हो जाएगा। मंजू महतो 125 जनरल हो जाएगा। अजय गोप्त 125 बीसी हो जाएगा। झारखंड की शेरनी का भी हो जाएगा। झारखंड की शेरनी का 80 है, बाप रे बाप, झारखंड की शेरनी का 80 है, तो झारखंड की शेरनी अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। नमास्ती होगा कहीं, देख लीजिए ठीक। चलिए तो ये परिया होगा, परिधान में परिया होगा भैया। हाँ अब यहाँ पे आइए मजेदार सवाल। झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन है? झारखंड के प्रथम राज्यपाल है प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल है प्रभात कुमार। अगले तो झारखंड के राज्यपाल बने, वो पहले विनोद चंद्र पांडे। लेकिन ये क्या थे, ये कार्यवाहक थे। दूसरे नंबर पे बने कौन, एम रामा जोईस। और तीसरे नंबर बने हैं कौन, बेद मारवा। अब देखिए समस्या कहां है, देखिए अगर यदि विनोद चंद्र पांडे को कार्यवाहक राज्यपाल मान लिया जाएगा और राज्यपाल का जो क्रम है उस क्रम में नहीं माना जाएगा, तब आपका उत्तर क्या होगा, वेद मारवाह तब उत्तर होगा। लेकिन अगर झारखंड के राज्यपाल के क्रम में विनोद चंद्र पांडे को भी राज्यपाल के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा, तब आपका उत्तर होगा एम रामा जोईस। अब देखिए मसला क्या है, मसला है कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो सही करेगी वही होगा, ठीक है ना। 118 हो जाएगा। दीपक पासवान जी जिसका एससी में 118 हो जाएगा, जनरल में 400 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। झारखंड गवर्नमेंट आने सर पर राधाकृष्णन कोई गाला है, हाँ ठीक, वही बोल रहे हैं ना कि अगर आयोग ने बोल दिया कि नहीं ये कार्यवाहक राज्यपाल होंगे, तब आपका उत्तर क्या होगा, वेद मारवा हो जाएगा। लेकिन अगर विनोद चंद्र पांडे को मान लिया जाएगा राज्यपाल के रूप में, तब आपका उत्तर क्या होगा, तब जाएगा आपका एम रामा जोईस। तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है जेपीएससी के आंसर की पे, हम लोगों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोगों की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जो है माई बाप, कौन है माई बाप, माई बाप है झारखंड लोक सेवा आयोग, तो जो माई बाप बोलेगा वही होगा। ये सवाल मजेदार सवाल है। इस बार के बजट में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो एजुकेशन पे ही खर्च किया जाता है। इसके पहले था ग्रामीण विभाग पे। तो अब जो है इस बार के बजट में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्चा किया गया है वह पैसा
ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस श्वेता जी, ईडब्ल्यूएस का आपका जाएगा कट ऑफ जो है 116 गलती बोल दी 114 के आसपास, 114 से लेके 112 तक जिसका है ईडब्ल्यूएस में उसका हो जाएगा, जिसका 112 से 114 के बीच में है ईडब्ल्यूएस उसका हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में जिसका 115 प्लस है उसका भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार के तो ये क्या शिक्षा होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, कटहा ब्राह्मण का, कटहा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान संस्कार, ये तो मृत्यु है, मृत्यु के समय ही इन ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और इनको दान में भोजन, पैसा और पशु दिया जाता है। अगला, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक, अब देख लीजिए ये वास्तव में रोज केरकेट्टा है, ये रोज केरकेट्टा जो है ये खड़िया, खड़िया लोक कथा जो है उसी प्रकार से जिस प्रकार से खोटा भाषा नागपुरी भाषा में जो लोकल कहानी, जो फोक, जो फोक स्टोरी है ना, जो फोक स्टोरी है, जो फोक स्टोरी है उसी प्रकार से खड़िया भाषा में ये लिखे हैं रोज केरकेट्टा। इसमें क्या लिखा हुआ है, एगो बंदर था, एगो भालू था, एगो राजा था, एगो रानी थी, एगो खरगोश था, बच्चा गया, ये बच्चा गया, बूढ़ी थी, बूढ़ी का पोता था, वो जंगल गया, बहुत सारी जो लोक कथाएं हैं, लोक कहानियां हैं वो इसमें दिया गया है। तो इसका लेखिका कौन है, रोज केरकेट्टा, है ना। चलिए अब देख लिए, सरहुल के समय पर जदुर डांस, सिंपल सा क्वेश्चन, डांस में भी हमेशा सवाल पूछा ही जाता है, डांस का पूरा आपका लिस्ट याद है, एक सवाल पक्का सुन लीजिए, झारखंड में कम से कम 40-50 सवाल पेटेंट सवाल है, वो अगर आप याद कर लिए तो आपका उसे बन जाए, जदुर बन जाएगा, है ना। तो 74 का आपका हो जाएगा ए। तो विवाह के अवसर पर डोमकच, विवाह के अवसर पर डोमकच गाया जाता है लोक संगीत, है ना। 120 प्रशांत राजी, 120 हो जाएगा प्रशांत जी, प्रशांत जी हो जाएगा, प्रशांत राजी हो जाएगा। अभिषेक कुमार 106 एससी बाउंड्री पे है, एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 106 पे जो भी है वो बाउंड्री पे है। एससी 137, बाप रे बाप, आपका तो अब तो टॉप कर गए। एससी कैटेगरी में अगर आपका 137 है तो बाप रे बाप, हो जाएगा कन्फर्म, 100% हो जाएगा। सोल्जर फिकराना, मेरा 132 करेक्ट है, 5-10% में आयोग है, सोल्जर फिकराना आपका हो गया 100%। जाइए मिठाई बांटिए, मिठाई मत बांटिएगा, अभी अभी माहौल खराब है, माहौल खराब है, अभी अभी बहुत निगेटिव माहौल है, लेकिन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। डोमकच हो गया। चलिए अगला, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, बाघों के लिए, है ना, तो बाघों के लिए। झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक संथाल, संथाल, संथाल नंबर वन पे पुराव, नंबर संथाल पुराव, नंबर तीन पे मुंडा, नंबर चार पे हो, असुर का बहुत नीचे, असुर आता है किसमें, आदिम जनजाति में, तो पहला स्थान संथाल, संथाल, संथाल। इसके बाद नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि पूछा गया सवाल है, रघुनाथ त्रिपति पूछा गया सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। आयुष गेमिंग 128 जनरल हो जाएगा, राजकुमार 120 एससी हो जाएगा, प्रियंका जी एसटी कैटेगरी 107 बाउंड्री पे है, फन फोर फीट 110 बीसी वन बाउंड्री पे है, नहीं नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और देख लीजिए, पिंदा ऐसा नहीं है पेपर क्वालिटी क्वालिफाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई पेपर क्वालिफाई ऐसा नहीं है, पेपर दोनों जोड़ के आएगा, जो क्वालिफाइंग मेरिट बनेगा कट ऑफ जाएगा वो पेपर वन और पेपर दोनों जोड़ के आएगा, ठीक है ना, चिंता मत कीजिए। तो ये आपका नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि रघुनाथ निरपति, 86 में भीमराम सोलंकी ने व्याकरण ग्रंथ किसके नाम से, हो काजी के नाम से, हो काजी के नाम से ग्रामर ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना। सेकंड पेपर क्वालिफाई होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पेपर टू क्वालिफाई नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है ना, हो काजी, ठीक है। उसके बाद आइए, नागपुरी में लिखा गया, अरे भैया तो 100 बार पूछा है, नागवंशावली बेनीराम महथा, आंख बंद कीजिए आंसर मारिए, बेनीराम बीसी टू का 118 हो जाएगा, बीसी टू 118 रमेश कुमार हो जाएगा, कपिल देव दास जी शेड्यूल शेड्यूल एससी में 115 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। अब देखिए, नागपुरी नागवंशावली बेनीराम महथा होना ही है, मतलब एक ऐसा सवाल तो हमेशा हमेशा रिपीट किया। चलिए अब देखिए,
जंगरामी रामायण किस, अब देखिए मजेदार यहां बात क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जगराम, इसका नाम है जगराम, और इस व्यक्ति ने लिखा जगरामी रामायण, है ना, इसका नाम है जगरामी रामायण, इसका नाम है जगराम, और इसने लिखा क्या जगरामी नारायण, किस भाषा में, कुरमाली भाषा में, ठीक है ना। राखी ठाकुर दोनों जोड़कर कितना नंबर चाहिए बीसी वन के लिए, बीसी वन के लिए दोनों को चाहिए जोड़ के 112, अगर बीसी वन में 112 दोनों जोड़ के है तो आप सेफ हैं, ठीक है ना। ऐसी कैटेगरी में विपिन कुमार मेहरा 112 हो जाएगा। तो ये आपका कुरमाली किताब है, व्यक्ति कौन है जगराम, तो जगराम ने अपने नाम पे लिखा जगरामी नारायण, तो ये आपका हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए आइए अब यहां मजेदार बात है, ये सवाल भैया हो गया गलत गलत गलत, ये सवाल हो गया गलत। रामचीज सिंह द्वारा बल्लभ खड़ी बोली में जो लिखा गया है वो ललिता भी है, है ना, ललिता भी है और उमा शंकर भी है, दोनों है, ये सवाल गलती हो गया, ललिता भी है और उमा शंकर भी है, मतलब राम सिंह चीज का ललिता भी होगा और उमा शंकर भी होगा। अब कहा जाएगा आयोग, अब तो जेपीएससी आयोग फंसेगा इसमें, इसलिए कि इसमें राम शंकर भी है ना, इसमें क्या है राम शंकर भी है और ललिता भी है, तो इसका आंसर कैसे करेगा देख लीजिए, ठीक है ना, देख लीजिए इसका 82 है, 82 बी होगा, अच्छा 82 का बी होगा, भाग जाए ना ना ना, कहां चले गए भाई, प्रूफ है इसका, प्रूफ है भाई, राम सी सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में लिखा गया किताब वो ललिता भी है भैया, ललिता भी है और उमा शंकर भी है, क्यों नहीं उल्टा पलटा बोल रहे, ठीक है ना, ऐसे मत कीजिए, 400 मार्क्स आए 115 पे ही जनरल का कट ऑफ जाएगा, हो जाएगा। चलिए तो ये फंसेगा मैटर, ये सवाल फंसेगा, क्योंकि ललिता का भी लेखक यही और उमा शंकर का भी लेखक सेम, तो ये फंसेगा मैटर, फंसेगा, ये देख लिया जाए। आगे सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, यही से हम भी पढ़े लिखे हैं, 1899 में इसकी स्थापना हुई, जब स्थापना हुआ था तो डबलिन मिशन यूनिवर्सिटी कॉलेज था, लंदन में एक था रॉयल एकेडमी, याद होगा आपको सुने होंगे, लंदन में था एक रॉयल एकेडमी, और रॉयल एकेडमी का कहना था कि जो अगर हिंदुस्तान पे राज करना है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1857 के बाद मतलब अंग्रेज ब्रिटेन उस पर टेक ओवर कर लिया था, तो कहना था कि कंपनी के साथ साथ अगर अंग्रेजों को भारत में राज करना है तो एजुकेशन के लिए वहां पर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ये रॉयल एकेडमी ने अपना राय दिया और उसी राय पे ये रॉयल एकेडमी जो था वो विद्वानों का समूह था लंदन में, और उसी के राय पे डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन के नाम से हजारीबाग में स्थापना किया गया, जिसका कि आज वर्तमान में नाम क्या है सेंट कोलंबस कॉलेज। आज से 30-40 साल पहले सेंट कोलंबस कॉलेज की प्रतिष्ठा बहुत थी, मतलब पूरे बिहार पूरे झारखंड में उसकी प्रतिष्ठा बहुत थी, लेकिन बाद के दिनों में कोलंबस कॉलेज की जो प्रतिष्ठा गिरती गई और सेंट जेवियर और गोस्नर कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, तो सेंट जेवियर नंबर वन हो गया और ये कॉलेज पीछे हो गया, ये आप कहें, ठीक है ना। चलिए झारखंड का आवासीय विद्यालय हमेशा पूछता है नेतरहाट का, ये गुमला नहीं है, ये जिला कौन सा है, लातेहार जिला है, ये जिला लातेहार है, ठीक है ना। 17 एसटी पक्का हो जाएगा, तसी शेखर मिंज, अपने ग्रुप में पीडीएफ में आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, इसमें केवल वन होगा, इसमें वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, झारखंड का जो गुमला जिला है, सॉरी झारखंड का जो तरहार स्कूल है वह लातेहार जिला में है, गुमला जिला में नहीं है। चलिए अगला, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में हुआ था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, है ना, आईएसएम धनबाद की जो स्थापना है तो कब हुई थी, हुई थी 1926 में और दिसंबर 9 को। आगे बढ़िए, झारखंड के किस सर मोहन कुमार मंगलम, बार बार मंगलम मंगलम पूछा गया, रिपीट किया गया है,
मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम पहले ही पूछा जा चुका है जेपीएससी में, देख लीजिएगा झारखंड लोक सेवा आयोग के पीटी में पहले भी पूछा जा चुका है। अब जो बाद से लोग ज्वाइन किए होंगे उसको हम बोल रहे हैं, अगर झारखंड में अच्छा स्कोर करना है भविष्य में जेपीएससी पीटी में तो यूपीएससी का और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का और साथ ही साथ जेपीएससी का क्वेश्चन बैंक पक्का करके जाइएगा। आपका जो भी स्कोर होगा उसमें 5-6 सवाल बढ़ जाएगा। भविष्य में जिनका एग्जाम खराब चला गया है उनको राय है कि जब भी भविष्य में आप जेपीएससी एग्जाम में बैठिएगा तो आईएएस का, यूपी का, झारखंड का पेपर देख के जाइएगा। अब देख लीजिए मंगलम मोहन कुमार स्टेडियम कहाँ पर स्टेडियम है, तो वो बोकारो में है और ये पूछा जा चुका है, तो ये रिपीट हो चुका है सवाल। झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा शतरंज, भारतीय हॉकी टीम के जयपाल सिंह के प्रथम ओलंपिक गोल्ड, बहुत पूछा गया पहले गोल्ड है ना, गोल्ड उसके बढ़िया आगे। भारत ने किस टीम को हराकर महिला एशियाई में खेला, जापान को हराया है, जापान को हरा करके हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीता है वह है आपका जापान। दीपक मंडल फुटबॉल, झारखंडी खिलाड़ी दीपक मंडल कौन सा खेल, फुटबॉल, झारखंडी खिलाड़ी दीपक मंडल खेल फुटबॉल। भारतीय पीवी सिन्हा देखिए तो ये क्या है, सीएनटी एक्ट के अंतर्गत सभी मुकदमों अपीलों और आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं, कहां लागू, वहां होंगे जहां सीएनटी एक्ट 1908 असंगत नहीं हो, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा है ना, 91 का आंसर हो जाएगा आपका, सीएनटी एक्ट से आपका बी हो जाएगा ठीक है ना। 110 में सी संजय कुमार पक्का हो जाएगा, 110 में कैटेगरी सी पक्का कंफर्म हो जाएगा। प्रशांत राज जी क्या, हुसैन जी आप भी कुछ नहीं, 123 किसका है, जनरल बल्ले बल्ले हो जाएगा, 123 जनरल कैटेगरी बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए सीएनटी एक्ट में अब देखिए मजेदार ये सवाल है, ये सवाल भी फंसने वाला है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। सवाल देखिए क्या कहता है, सीएनटी एक्ट के अंतर्गत उपायुक्त मतलब डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहां जा सकता है। अब देखिए डीसी ने अपने लेवल पर सीएनटी एक्ट के अंतर्गत किसी मामले में अपना निर्णय सुना दिया हो और जो रैयत होगा, जो टीनेंट होगा वो टीनेंट या रैयत को वो क्या, वो अस्वीकार, तो भैया कहां जाएगा, तो देखा जाएगा अमाउंट, अगर अमाउंट मतलब राशि पैसे की राशि अगर कम है, राशि कम है तो जाएगा न्यायिक आयुक्त के पास, अगर राशि कम है तो जाएगा न्यायिक आयुक्त के पास मतलब जिस मुकदमे में फैसला चल रहा है टीएनटी एक्ट के तहत, और कोई भी रैयत अथवा टीनेंट अगर उस मुकदमे से, जिस मुकदमे का फैसला डिप्टी कमिश्नर ने दिया हो और वह फैसला को अस्वीकार करता है, उसको मानने से इनकार करता है कोई रैयत या टीनेंट, तब वह फैसला जाएगा न्यायिक आयुक्त के पास, कब, जब उस मुकदमे की राशि या उस वाद की राशि कम होगी, लेकिन अगर अमाउंट की राशि ज्यादा हो मतलब पैसा ज्यादा होगा, अमाउंट या राशि ज्यादा होगा तब कहां जाएगा, तब ये जाएगा हाईकोर्ट में जाएगा, तब ये उच्च न्यायालय में चला जाएगा। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि जो डिप्टी कमिश्नर है वो जमींदार के प्रभाव में आकर के अथवा आसपास के जागीरदार के प्रभाव में आके अथवा पैसा घूस खा करके हो सकता है किसी रैयत या टीनेंट के लिए जो फैसला दे रहा है वो फैसला बायस हो, पक्षपात पूर्ण हो, और वह जो फैसला से प्रभावित है वह उसको अस्वीकार करता है तो अपील करेगा कहां पे, न्यायिक आयुक्त के पास अपील करेगा। जब उसमें राशि कम होगा और राशि बहुत बड़ी राशि होगी तब वो उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के पास जाकर के अपील करेगा ठीक है ना। राखी जी बोल रही है, आपस मत खींचिए, 99 में है हुसैन जी, 99 में है डॉट, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, कोई बात नहीं, पेपर लीक हुआ है इसका फैसला तो हम लोग का माई बाप करेगा, हमारा माई बाप कौन, झारखंड लोक सेवा आयोग। तो ये देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यायिक आयुक्त न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार
ये तो होगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो होगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो होगा ही नहीं, ये दोनों होगा, दोनों किसमें है, दोनों सी में है, तो इसलिए हो जाएगा, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, 93। अब देखिए मजेदार सवाल है, सीएनटी एक्ट में सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर आपका है 93। हाँ, लैंड टेन्योर वाला है ना, लैंड टेन्योर वाला है। तो नागपुर अधिनियम 1908 के अनुसार भी भूदृति, भूदृति का मतलब क्या, लैंड टेन्योर, लैंड टेन्योर, लैंड टेन्योर से अभिप्रेत है भूधारक का हित इसके अंतर्गत आती है, तो किंतु काश्तकारी नहीं, काश्तकारी नहीं आती है, किसका, मुंडारी खुटकट्टेदार का। इसका देखिए सवाल क्या है, क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई भी लैंड टेन्योर में किसी भी टिनेंट को, किसी भी टिनेंट को पट्टेदारी दिया गया है, पट्टेदारी, आपको हम पट्टेदारी बता चुके हैं, पट्टा और कबूलियत, वास्तव में पट्टा और कबूलियत जो है, ये पट्टा, पट्टा और कबूलियत, पट्टा इज इक्वल टू टेम्पररी, टेम्पररी एक था आपका डॉक्यूमेंट्स था, आप कह सकते हैं कि पट्टा जो है एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट्स है जो किसी भी रैयत को दिया जाता था भूस्वामित्व के लिए, और ये इंडिया में, हिंदुस्तान में आया था शाहजहां से, तो कबूलियत, पट्टा और कबूलियत, पट्टा और कबूलियत जो है सो कहां से आया है, शाहजहां से आया था, शाहजहां से आया था, शाहजहां मुगल नहीं था, शाहजहां मुगल नहीं था, शाहजहां था अफगानी, और अफगानी शासन व्यवस्था का उठा करके लाया गया था पट्टा और कबूलियत। तो किसी पट्टा, किसी को पट्टा दिया गया तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पट्टेदार, हो जाएगा वो पट्टेदार, हो जाएगा। तो जो पट्टेदार होगा, जो पट्टेदार होगा, उस पट्टेदार के लिए जो लैंड टेन्यूर की बात होगी उसमें कभी भी मुंडारी खुटकट्टीदार कभी भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि मुंडारी खुटकट्टीदार को जो जमीन मिला है वो जमीन मिला है परमानेंट, नॉट टेम्पररी। और यहां बात किया जा रहा है क्या, यहां बात किया जा रहा है जो लैंड टेन्यूर, जो पट्टा है वो बात क्या, टेम्पररी का। तो जब टेम्पररी वाली बात होगी तो किसी पट्टेदार में कभी भी मुंडारी खुटकट्टीदार नहीं आएगा, क्योंकि मुंडारी खुटकट्टीदार ने अपनी खूंट परंपरा से उस जमीन का स्वामित्व हासिल किया है, और अब इस जमीन पे, इस जमीन जो है उसको अस्थाई मिल चुका है, और जब अस्थाई मिल चुका है तो यहाँ पर टेम्पररी लैंड टेन्योर का बात ही लागू नहीं होगा। और ऑक्यूपेसी रैयत पे होगा, जो ऑक्यूपेसी रैयत है उस पर हो सकता है, जो नॉन ऑक्यूपेसी, जो नॉन ऑक्यूपेसी है उस पर भी होगा, दर रैयत भी होगा, दर रैयत इज ए, यू कैन से दैट दर रैयत इज अ टेम्पररी रैयत, जो जो दर रैयत है टेम्पररी ही तो है, रैयत के नीचे रैयत, ये दर रैयत है ना, रैयत के नीचे रैयत, मतलब रैयत के नीचे एक होगा दर रैयत, तो ये दर रैयत भी तो भैया टेम्पररी है, दर रैयत क्या है, टेम्पररी व्यवस्था में है, और जब टेम्पररी व्यवस्था में दर रैयत है तो वह पट्टेदारी लैंड टेन्योर में शामिल होगा, लेकिन कभी भी मुंडारी खुटकट्टीदार इसमें शामिल कभी नहीं होगा, ठीक है ना, देख लीजिए इसको। चलिए अगला, अब अगला सवाल है आपका, सीएनटी एक्ट की प्रक्रिया, उपायुक्त इसमें मामलों का विवरण हो रहा हो, तो यह राज्य सरकार, अब देखिए यह क्या है कि कोई भी सिविल प्रोसीजर अधिनियम की प्रक्रिया लागू होगी जो उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा हो, तो इसमें निश्चय कौन करेगा, इसमें निश्चय करेगा लैंडलॉर्ड, इसमें निश्चय करेगा लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है, भूस्वामी कौन है, भूस्वामी कौन है, भूस्वामी है राज्य सरकार। यहां पे फैसला, वैसे फैसले राज्य सरकार को यह अधिकार है कि यदि कोई प्रक्रिया सीएनटी एक्ट के तहत नहीं दिया गया है तो उस मामले पे सर्वाधिकार किसके पास है, वो है आपका लैंडलॉर्ड के पास, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का हिंदी भूस्वामी, भूस्वामी कौन है, भूस्वामी है राज्य सरकार। तो भूस्वामी भैया है यहां पर राज्य सरकार, राज्य सरकार कौन है, राज्य सरकार है झारखंड सरकार। मतलब ऐसा कोई मामला होगा, ऐसा कोई मामला होगा तो इस पे झारखंड सरकार को भी, झारखंड सरकार को ही पूरा का पूरा अधिकार है, कौन जीएम लैंड होगा, कौन जीएम लैंड नहीं होगा, किसको बंदोबस्त दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, भूमि कौन, भूमिहीन कौन है, बहुत सारी ऐसी मामले हैं। और अगर उस मामले पे उपायुक्त, उपायुक्त के सामने मामला आया है
तो हमेशा उपायुक्त से बड़ा कौन होगा? हमेशा डिप्टी, हमेशा डिप्टी कमिश्नर से, है ना, हमेशा डिप्टी कमिश्नर से बड़ा होगा लैंडलॉर्ड। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि हमेशा लैंडलॉर्ड बड़ा ही होता है। डिप्टी कमिश्नर की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है लैंडलॉर्ड के आगे। लैंडलॉर्ड जो बोलेगा वही होगा। यहाँ पे लैंडलॉर्ड भूस्वामी कौन है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार कौन है? झारखंड सरकार। तो झारखंड सरकार ही यहाँ पे क्या करेगा? फैसला करेगा, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा आपका 94 का आपका सी हो जाए, 94 का आपका सी हो जाए। अब आइए 95 में देख लीजिए। अब बंदोबस्ती, है ना, बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जो 12 वर्षों तक, है ना, 12 वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि के लगातार धारित किया हो। तो जिसको जीएम लैंड में, जीएम लैंड को जीएम लैंड है ना, वो जीएम लैंड है और जीएम लैंड में सेटल्ड रैयत है, सेटल्ड रैयत अगर है, है ना, सेटल्ड रैयत है, तो कब उसको माना जाएगा? उसको माना जाएगा कि वो लगातार उस जमीन पे 12 सालों तक वो ऑक्यूपाई किया हो, 12 सालों तक लगातार वो खेती कर रहा हो और 12 सालों तक उसके अधिकार में रहा हो, फसल उगा रहा हो, साथ ही साथ उस जमीन का रेंट पे कर रहा हो। रेंट किसको पे करेगा? रेंट पे करेगा किसको? लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहा हो, तो लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहा हो, इस केस में 12 साल का सीमा माना गया है। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 12 साल। 96 इसमें देख लीजिए, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास प्राधिकरण अथॉरिटी प्राधिकरण स्थापित करना चाहती है तो एक व्यक्ति के मिल से भी वो बन सकता है, किसी एक व्यक्ति से मिलकर भी वो बन सकता है, ठीक है ना। अगला भूमि अधिग्रहण का जो वाला है ये सवाल, वो आपका किस धारा में एसटीएससी के लिए विशेष प्रावधान है? वो धारा कौन सा है? धारा है आपका 41। एसटीएसटी के लिए विशेष प्रावधान वो है आपका धारा 41, ठीक है ना, ये धारा आपका 41 हो जाएगा। अगला संथाल परगना अधिनियम में कहा गया है कि वह रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है, धारा 18 के बारे में, है ना। तो अब देख लीजिए धारा 18, रैयत बनाएगा, हाँ, कच्चा पकान, कोई भी टिनेंट अथवा कोई भी रैयत बना सकता है क्या? कच्चा मकान चाहेगा तो बनवा सकता है क्या? पक्का मकान चाहेगा तो पक्का मकान बनाएगा। तो पक्का मकान या कच्चा मकान बनाएगा संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत, किसमें? धारा 18 के तहत कोई भी रैयत कच्चा मकान या पक्का मकान बना सकता है, ठीक है ना। अब अगला 99 सवाल देख लीजिए, खाली जोत, फटाफट कमेंट कीजिए किसको बोलते हैं खाली। अच्छा ये सब आ गया, हाँ, खाली जोत का मतलब फटाफट कमेंट कीजिए, खाली जोत किसको बोलते हैं? खाली जोत का मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिए। खाली जोत का मतलब होता है अगर किसी जमीन को किसी ने त्याग दिया है, किसी भी लैंड को, है ना, किसी भी लैंड को त्याग दिया गया हो अथवा उस व्यक्ति मर गया हो तो क्या हो जाएगा आपका खाली लैंड। तो इसमें पहला भी होगा, मतलब खाली जोत का मतलब क्या है? पर्याप्त जोत, वैसा जोत जिसको त्याग कर दिया गया हो अथवा जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़ के मर गया हो तो उसको बोला जाएगा खाली रैयत, ठीक है ना। ये सी नहीं होगा, चारागाह वाला बात इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो खाली जोत है वो खाली जोत किसके पास आ जाएगा? खाली जोत जो है तो किसके पास आएगा? ये आ जाएगा लैंडलॉर्ड के पास आ जाएगा, ये आएगा लैंडलॉर्ड के पास। और लैंडलॉर्ड क्या करेगा? लैंडलॉर्ड चाहेगा तो उसको जीएम लैंड को डिक्लेयर करके किसी भूमिहीन को जमीन दे सकता है। तो खाली जोत का मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी आंसर होगा, ए भी और बी भी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी का मतलब जो खाली जमीन है सो भी, और दूसरा जिस जमीन को
जिस जमीन का उत्तराधिकारी बिना छोड़े को रैयत की मृत्यु हो गई हो और उस जमीन का कोई भी अब मालिक नहीं हो, तो उस जमीन का मालिकाना हक लैंडलॉर्ड अथवा भूस्वामी अथवा राज्य सरकार के पास चला जाएगा, उसको बोलते हैं खाली जोत। ठीक है ना। चलिए अगला सौ नंबर में देख लीजिए। हाँ, तो सौ नंबर में क्या है? संथाल परगना अधिनियम 1949 के एक चारागाह भूखंड का प्रयोग बंदोबस्ती खेती ही किया जा सकता है। कब किया जाएगा? धारा 38 के अनुसार। ये धारा 38 है, धारा 38 के अनुसार किया जाएगा। कब? ये तभी किया जाएगा जब गांव के कुल रकबा से 5% वह जो ये जो खाली जो चारागाह है वह चारागाह गांव के कुल रकबा से 5% कम होगा तभी इसका बंदोबस्ती किया जा सकता, खेती तो किया जाएगा। कब? जब गांव के कुल रकबा है ना, गांव के कुल रकबा से 5% से भी कम, 5% से कम, जो गांव की पूरा जमीन का रकबा है उससे अगर कुल रकबा का 5% से कम जमीन चारागाह है, तब उपायुक्त की अनुमति देगा कौन? डिप्टी कमिश्नर। और ग्राम प्रधान अनुमति देता है तब उसको चारागाह के रूप में बंदोबस्ती उस चारागाह को बंदोबस्ती के रूप में किया जा सकता है। और अगर कंडीशन है, अगर यह 5% भूमि से ज्यादा होगा तब, ज्यादा जैसे ही 5% से, सुन लीजिए, 5% से कम, 5% से कम उपायुक्त, और 5% से ज्यादा तब कौन? तब भूस्वामी लैंडलॉर्ड, तब लैंडलॉर्ड का पावर चलेगा। ठीक है ना। अगर रकबा कुल रकबा का 5% से ज्यादा है तब राज्य सरकार अथवा भूस्वामी फैसला करेगा कि उस चारागाह को बंदोबस्ती किया जाए या नहीं। इसको और कम होगा तो करेगा उपायुक्त। आंसर क्या होगा? उपायुक्त भी होगा और ग्राम प्रधान भी होगा, तो इसका आंसर डी होगा, ए भी और बी भी। मतलब यदि ग्राम प्रधान की सहमति बनती है और साथ ही साथ उपायुक्त की सहमति बनती है और उस गांव के जमीन के या गांव के कुल रकबा से 5% जमीन वह कम होता है, तब चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्ती के लिए किया जा सकता है अथवा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 100 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए जेपीएससी मेंस का देखिए, पढ़ाई भी लड़ाई भी है। बात क्या है? पढ़ाई भी होगा और लड़ाई भी होगा। तो हम लोग को चूंकि कोर्स पूरा करने का रहता है प्रेशर, तो हम लोग क्लास शुरुआत कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा आगे। भारत के सबसे बड़े शिक्षक अतुल लोहिया सर का क्लास कल से शुरू हो जाएगा, कल 6 PM अतुल लोहिया सर, भारत के सबसे बड़े शिक्षक, मुखर्जी नगर से सीधे लाए दिल्ली। कौन सा विषय? पब्लिक लोक प्रशासन है ना, पब्लिक एडमिशन, लोक पब्लिक एडमिशन। ये सारा क्लास शुरू होगा 6 PM से कल लाइव होगा, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब में भी। क्योंकि हम लोग अगर क्लास शुरू नहीं करेंगे तो फिर कोर्स ही पूरा नहीं हो पाएगा, तो फंसेंगे हम लोग, पीडीएफ फंस गए थे। तो जेपीएससी मुख्य परीक्षा की धुआंधार शुरुआत कल से होगी 6 PM। भारत के सबसे बड़े शिक्षक जीएस के अतुल लोहिया के, लोक प्रशासन के शिक्षक अतुल लोहिया सर क्लास शुरू करेंगे 6 PM। और कल जेपीएससी खोटा भी शुरू होगा 8 PM से, रात में 8 PM जेपीएससी खोटा और 6 PM जेपीएससी मेंस का जीएस। तो कल से क्लास शुरुआत हो रही है, आप लोग चाहें तो क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी समस्या हो, कोई भी कुछ हो, तो आप इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 98 क्लास के लिए कुछ भी 98 71 230 और 795, इस नंबर पर आप किसी भी क्लास के लिए, टेस्ट के लिए फोन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर सारा क्लास चलेगा धुआंधार। 98 71 230 795 पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। आप हेलो कर दीजिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जोड़ सकते हैं, जोड़ देंगे आपको जेपीएससी मेंस का, जीएस का, और खोटा क्लास चलाएंगे। चूंकि हम लोग बैठ के रहेंगे नहीं, बैठेंगे तो कोर्स का पूरा कर पाएंगे। चलिए इतना आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।